तो नीचे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आउट होने की? चुपचाप चल रहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पहले तू बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई इनके फार्म हाउस पे कब्जा करने की? जानता है मैं कौन हूँ? मालूम है तू एमएलए है, रूलिंग पार्टी का एमएलए। बोल, पुलिस वालों से सबका एनकाउंटर करवाऊंगा। कुत्ते की मौत मर जाओगे तुम सब लोग, समझे? अरे शक्कू, जरा होम मिनिस्टर को फोन लगा। घंटी बज रही है भाई, जरा एमएलए को फोन दे। नमस्ते सुल्तान भाई। अन्ना, अन्ना मैं हूँ अन्ना, सुदर्शन रेड्डी। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग जबरदस्ती मुझे उठा कर लाए अन्ना। क्यों? अन्ना असल में एक फार्म हाउस पसंद आ गया तो मैं। बोला है क्या? सुल्तान के ही आदमी का फार्म हाउस अच्छा लगा तुझे कब्जा करने को? दे सुल्तान को फोन दे। ठीक है अन्ना। हाँ बोलिए मिनिस्टर साहब। सुल्तान भाई, औला है साला, गलती हो गई उससे, माफ कर दो ना। माफ भी कर देता हूँ और छोड़ भी देता हूँ, अगर आप मेरे को 2 करोड़ रुपए भेजें तो। 2 करोड़? आपको तो मालूम ही चाहिए मिनिस्टर साहब के सुल्तान कोई काम फुकट में नहीं करता। या तो आप मेरे को 2 करोड़ भेजिए या मैं इसके 2 टुकड़े भेजू। वालेकुम छोटे भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अच्छा हूँ। बहुत किस्मत वाले तुम छोटे भाई, ये एरिया के सबसे नसीब वाले आदमी तुम। मैं तो ये बोल दूँ कि तुम तो जन्नती है मियाँ। क्यों मियाँ, क्या बात है? क्या बात है मियाँ, ऐसा खिदमत गुजार तो पहली बार देखो मैं। बहुत खुशी हुई उस्ताद तुम्हारे को ऐसा देख के। क्या बोल रहे मियाँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। भाई चार मीनार के पास देखा तुमको, खिदमत बोलो तो उस कुछ बोलते। इतनी भीड़ में भी हाथ पकड़ को रोड क्रॉस करा रहे थे अपनी अम्मा को। अम्मा? अरे मियाँ वो तुम्हारी भाभी है। भाभी? अम्मा के साइज की। आओ जी जेएनआर कली, कहाँ है जी तुम्हें? बखुदा हमने आपसे 1000 बार कहा है, हमें बेहूदा मजाक कतई पसंद नहीं है। अगर दोबारा आपने ऐसी हरकत की ना तो हम आपके खानदान की शान में गुस्ताखी करेंगे। नसीम अहमद नाम है हमारा, समझे? जय नसीम बोले तो तुम्हें तकाई कुचिड़ती जी। आशा मियाँ नसीम लड़की का नाम होता है यार। अब रहने दो, नसीम मत बैठो यजमान। अरे यार ये सब। अरे राजू इधर आ बा, ये इधर लीन कर बा, ये लखनऊ टिकराई ने देख फिर मजा। टिकाई है आपकी। अरे राजू बैठू चाला बा, और साथ में पानी भी, अगर उंगलियां मत डुबाएगा समझे। क्या जी जय, तुम्हें इतने स्मार्ट कहीं रहती जी की नवाब तुम्हें लखनऊ के। अमा छोड़ो यार, क्या यार? अरे क्या नसीम भाई, अभी धंधे में नहीं निकले? हाँ अमा धंधा, खिदमत कहिए खिदमत। अभी अभी एक खिलवत वाली खाला जान से निपट कर आ रहा हूँ। राजू एक चाय और ला। नहीं नहीं जी, खिसक के बैठो, सड़क को जाएंगे ना। ला लिया पूरी। पूरी मियाँ, पूरी डालते दिमाग चलता अपना। और सुनाइए भाई, आपका सपना से इश्क कैसा चल रहा है? आप दोनों तरफ लगी या वन वे ट्रैफिक है? पूरा 100% तैयार है, कोई टेंशन नहीं है समझे। और फिर तो हमारी तरफ से पेश की मुबारकबाद कबूल फरमाइए। अरे सुनो तो सही, 100% मेरी तरफ सही क्या? जय मुझे फर्स्ट इच मालूम जी, ऐसा होता सो उससे पूछा नहीं लो। छोड़ो यार, ये बताओ कि मियाँ सीनो अभी तक तशरीफ क्यों नहीं लाए? जय सीनो की पूछ रही, यजमान का बेटा जी उन्हें, उसकी समय होती है सो 2 बजे। अभी फोन कर दीजिए यजमान को। थैंक यू भाई। अच्छा सीनू कहाँ है जी तुम्हें? आ रहा हूँ बाप, एक मिनट में पहुँच रहा हूँ, तेरे सामने छू जर्रा, इधर देख। क्या जी पाशा भाई, क्या रे सीनू, सामने रह के फोन उठा लिया? ये बेंगलोरी का 1 रुपया बैगन में मिला दिया ना। हमारे
अरे कहा था इतने बेबटी को पड़ी समझ रही। जसीनू कौन था जी वो कार में? ये मैं लगा बेटा है पाशा भाई, अपना दोस्त है। ए राजू सिंगल चाहला जल्दी। और तुम्हारे गुट्टा बारकस का क्या हाल है? वो क्या की बोलते ना जी, शोले के इमाम साहब की दौड़ मस्जिद तक। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक कही है? वैसा ही पाशा की दौड़ गुट्टा बारकस तक। क्यों मैं सीनू कल से कहा यार? अरे वो शमशाबाद का चक्कर यार। ये क्या चक्कर है यारो, जिसको देखो शमशाबाद की तरफ भाग रहा है। क्या तो भी है वहाँ? किस दुनिया में हो बरखुरदार? तुम्हें खबर ही नहीं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर होने के बाईस कौड़ियों की जमीन करोड़ों की हो गई है। क्यों भाई सीनू तुम्हारी कितनी जमीन है वहाँ? अरे छोड़ो यार, एक गुड न्यूज सुनाता हूँ। कल रात बाहर से अज्जू का फोन आया था। क्या बताया अज्जू ने? बताता क्या सेट हो गया यारो, यहाँ गवर्नमेंट लुटपुट था, वहाँ उससे अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छा है यारो? वहीं अच्छा था, वहाँ जानवरों का गोबर साफ कर रहा था, यहाँ इंसानों का साफ करना पड़ रहा है। वालेकुम अस्सलाम, अहलन अहलन, दाल दाल दाल, कैफ लाल अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया फिर अय्याशी करके, खुद तो बैगन में मिल गया, अब इसको भी बर्बाद कर रहे। ये साले तो हैदराबाद को बदनाम कर दे रहे। मौका मिला तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि छट्टी का दूध याद आ जाए। तुम कब आती? फिर शादी बनाती। बना के आती हैदराबाद जाती, शादी बनाती, वलीमा करती, पानी नहाती, वापस आती। भाई कम चल हैदराबादी, ये तुम क्या करती? तुम कहती हम इसका हैदराबाद बनाती। हैदराबाद अब अभी 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 तुम जाती है, बाद में मिलती। तुम क्या कहती? तुम नहीं देखती है तुम्हारा कितना नुकसान करती। हम देखती, बाद में देखती, अभी तुम जाती। मैं सलाम है, जाती 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 जाती। गुलदस्ता गिरा है तो हंस रहा है, दाल में कुछ काला लग रहा है। तुम हैदराबादी? हमको हैदराबाद लेके जाती? काहे को जी, हम भी शादी बनाती। मिल गया बैगन में। बैगन वो क्या होती? हैदराबाद का चल के जाती, बैगन में बैठ के जाती। वल्ले किसको तुम बैगन कहती? अब बैगन को बैगन ही तो क्या भुट्टा कहती? जाती हम भी बैगन में जाती, बली मा करती, पानी नहाती, वापस आती। हम नहलाती, हम नहलाती, ऐसा नहलाती, ऐसा नहलाती, जिंदगी भर याद रखती। वल्ले किससे? इससे। वल्ला किससे? लाजवाब लाजवाब। इसको तो हम कहीं देखी। अरे हौले, इन्हें तो जवान से लेके बुढ़ा तक सबकी धड़कन है रे। क्या कहती? देखा होगा बस, देखा होगा। ये तेरी किस्मत में है ना, इसलिए तेरे को दिखा रहा हूँ। तू चल, क्या क्या दिखाता हूँ तेरे को। हम देखती, हम देखती, हम इतने बच जाती, हम आती, हम इतने बच जाती। क्या रे, हैदराबादियों को बेगैरत समझे? पैसे के बलबूते पर किसी गरीब की गुर्बत, किसी मजबूर की मजबूरी और किसी लाचार की लाचारी से फायदा उठाकूं? तुम लोग समझ रहे के सारे हैदराबादी ऐसी हैं? ऐसे नहीं है रे। अब तू चल हैदराबाद को, तेरे को दिखाता हूँ हैदराबादी क्या होते। मामा मैं बाहर से चलती फिरती एटीएम मशीन ला रहा हूँ, कार्ड की जरूरत नहीं, सब मिलके खुंदल देंगे। तुम लोग अभी क्या होले हो यारो, जर्रा निकलने से पहले मेरे को फोन मार लेते, काम बन जाता था ना। क्या हुआ जी यजमान? होता क्या, तुमको मालूम डेड मर्सिडीज ले जाते और आज किस्मत से मोमिनोवा ले गई। अरे फिर हमारा क्या होगा मियां? जय मंजे पस्तीच मालूम जैसा होता सो उससे अपना गुट्टा बार कर लाकर रखे। दिमाग है रे, एयरपोर्ट को सेवन सीटर लेके जाते। क्या करें जी, हम ना यज गत है सो। अरे मगर सीनू की औकात तो बड़ी ना मियां। क्यों ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। नमस्ते असलम भाई, मैं सीनू बोल रहा हूँ। बोल सीनू। क्या लग रहे थे असलम भाई, अब मैं क्या बोलूं, मैं भी धोखा खा गया। कब की बात कर रहा मियां तू? कल शाम को असलम भाई नेकलेस रोड पे आपको देखा, नेवी ब्लू सूट, काला चश्मा, ओ बा बा बा। अब मैं क्या बताऊं, आजू बाजू के लोग तो बोल रहे हैं चिरंजीवी जा रहा। अरे वो तो बस ऐसे ही सीनू, बोल क्या बात है। सच बोल रहा हूँ असलम भाई। असलम भाई वो आपकी नवी गाड़ी होना था एक दिन के वास्ते। काई को सीनो? नहीं भाई, वो मेरे दोस्त नसीम के। नसीम अहमद कहिए। हाँ
हाँ जी, नसीम के भौने ही आ रहे हैं बाहर से। क्या? असलम भाई जरा एयरपोर्ट तक जाके आना है। ठीक है मियां, मैं आता हूँ। चलो, आप काय को आते हैं? अपने ड्राइवर को भेजते हैं। तुम लोगों से नहीं मिल के बहुत दिन हो गया ना सिनो। चल मैं आ रहा हूँ। असलम भाई शुक्रिया, असलम भाई शुक्रिया। हो गया बाप कौड़ी का इंतजाम। ऐसे काय को देख रहा? किसके बहनों ही बोले मियां? बोलना पड़ता भाई, बिल्डअप दिए तो इस कमा बनते क्या। अरे सोहिंगी सर, मैं समझता हूँ तुम मेरी बात समझ गए होंगे। यहाँ की लड़कियों से शेखों की शादी को लेकर जो शिकायतें मुझ तक आ रही हैं, वो आइंदा नहीं आनी चाहिए। जी सर। वैसे ये कौम बहुत ही बाविखार कौम होती है, पता नहीं इनसे ऐसी हरकतें क्यों हो रही हैं। सर, मीठे फल में ही कभी कभी कीड़ा पैदा होता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। बहरहाल तुम्हें उन पर खास नजर रखनी होगी। ओके सर। हम बहुत खुश होती। क्या रे सीनू, आता को आती करता को करती कर रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना बाप? असलम भाई लैंग्वेज प्रॉब्लम। तुम लोग इधर क्या करते? बहुत कुछ करती शेख, पहले इनसे तो मिलो। ये असलम भाई है, बहुत बड़े आदमी है, मुसीबत में काम आने वाले, दरिया दिल इंसान समझो। समंदर भी होती। क्या बोल रही है? ये बस बस ये चांद पाशा है, बेंगलुरु से भाग के आके यहीं सेटल हो गया है। बहुत बड़ा कारोबार है इसका, ऑटोमोबाइल का। ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल का मतलब क्या समझ रहे हैं शेख? यो समझो, जो हमको लेके घूमता वो ऑटो होता, जिसको हम लेके घूमते वो मोबाइल होता। समझी समझी, है तो मोबाइल, है तो मोबाइल। समझी समझी समझी। आजकल तो जबरदस्त स्कीम चला रहे, मोबाइल पे ऑटो फ्री दे रहे। ये सीनू है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके बाप की जमीन पेज बन रहा है। मेरे को तो डैड ने नहीं बताया। क्या यारो, तुम भी? ये गाड़ी भी इसके बाप की जमीन पे चल रही है शायद। क्या वादा कर रहे हैं असलम भाई? ये है नसीम, नसीम अहमद कहिए। जी हो, नसीम अहमद लखनवी। शहर में जितने पीले रंग के ऑटो हैं सब इनके ही। कुत्ता लेते लेते शाम हो जाती शेख। कुत्ता? कुत्ता नहीं शेख, गुत्ता। रेंट 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 रेंट। जी जी, गुत्ता रेंट। हाँ समझी समझी, गुत्ता रेंट। वो देखो शेख, वो देखो, चार कुतुब मीनार एक साथ। बल्ला, हैदराबाद में चार कुतुब मीनार होती? अरे पांच थी शेख, एक उखाड़ के उधर दिल्ली में लगा दी। एक हमको भी देती? बहुत खर्चा करना पड़ेगा शेख। खर्चा करती, खर्चा करती, खर्चा करती तो तुमको एक पैक फ्री देती। एक ऑफिस में लगाती, एक घर पे लगाती। ये देखो बाप, सामान निकालो। आइए सामान लिया भाई। चलो बस, अंदर चलो ना असलम भाई। नहीं रे सीनू, एक जरूरी मीटिंग में जाना है, तू फोन कर ले मैं आता रहूं। अच्छा ठीक है असलम भाई, चल। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई। आशा होटल तो शानदार है यार। नमस्कारम, आओ। दो रूम बोले थे ना? बस कार्ड देती देती। चंपा क्या बेवकूफी है, टूट जाएगा। अरे मैगजीन। नसीम भाई इधर देख। चाची जाई शुरू हो गया क्या? जल्दी बताओ, इन्हें यहाँ से ले जाइए। साहब नई मैगजीन है, हर कमरे में रखता हूँ। नहीं चाहिए। और सुनिए, जब तक हम यहाँ कायम पजीर हैं, इस कमरे में ना कोई अखबार आएगा और ना ही मैगजीन। और ताके फोटो भी नहीं आना। क्यों? जय वेटर अजमान, हमारे शेख साहब को औरतों से नफरत है जी। ओह अच्छा अच्छा, औरतों से नफरत। समझ गया, शेख अल्टी पल्टी है। फिजूल बातों से परहेज कीजिए मियाँ, और यहाँ से तशरीफ ले जाइए। वाई नॉट श्योर। सुझाओ दीजिए। सुस्वागतम। यही स्वागतम? अरे वो नहीं, मरहबा मरहबा। ये तुम क्या करती? बोसा लेती। हमको अच्छा नहीं लगती। पोछो पोछो शेख भाई, हैदराबाद के सबसे आलीशान होटल में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये मत देखिए, ये देखिए, हट बे। ये देखिए, यहाँ से चार मीनार दिखाई देता है। और ये देखिए,
यहाँ से गोलकुंडा दिखाई देता है, और ये देखिए यहाँ से ताजमहल दिखाई नहीं देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए। मियां इजाजत लेके जाते भी हैं। जाओ जी। आपको तो एक चीज बताना भूल ही गया, इसमें रखी हर चीज ठंडी हो जाती है सिवाय आपके गुस्से के। ये देखिए क्या कर रहा है। ईश ईश ईश। अच्छा तो मैं चलूं। ईश ये टिप लिए बगैर टलेगा नहीं। ईश जनाब शेख मोहतरम, इस बेचारे को अपनी इनायत से नवाजिए ना, कब से मुंतजिर है। क्या बाप तू भी ना, तेरे बाता शेख समझे तक इन्हें मुड्डा हो जाता। बॉस इसे बख्शीश तो दो 3-4 हजार। अच्छा अच्छा देती देती। 3-4 हजार अगर ये शेख 2-3 महीना रुक गया तो मैं अपना खुद का होटल खोलेगा। क्या करती। बोसा लेती। नहीं देती। पैसा देती। पैसा देती। पैसा देती। गिनती गिनती। पैसा देती लेती। गोल्ड फ्लैग के डब्बे में गणेश बिड़ी। लगता है ये सारे नोट तुम्हारे यहाँ चले गए, इसलिए हमारे यहाँ तो नहीं दिखाई देते। हाँ हाँ तू ये तो रख भाई, बाद में करता हूँ तेरे इंतजाम। ये बासी कोल्ड ड्रिंक भी ले जा। बासी कोल्ड ड्रिंक और देती। अरे तो दे। ये तुम क्यों लेती। कुतुब मीनार उखाड़ने को उन लोगों को काम पे लगाना है ना शेख। अच्छा अच्छा बिल्ले हम ये तक तो पहुँच गयी। अभी हम लड़की से मिलने चाहती, उसको देखना चाहती। कह रहती हमारी पिलपुल यहाँ नहीं रहती रे। उल्लू उल्लू वो क्या होती। मतलब उल्लू उल्लू मतलब दूल्हा बॉस। ग्रो ग्रो समझी समझी। तुम हमको उल्लू कब बनाती। रोज बनाती रोज बनाती। माशाल्लाह माशाल्लाह आज बनाती। आज तो बन गई, कल बनाती। बन गई कब बनी। ऐश्वर्या की तस्वीर काय को दिखाई यारो, दूसरी नहीं मिली के तेरे को। क्या जी जय छोटे बच्चन से शेख की फुड़ाते क्या। अरे फोड़ना फुड़ाना छोड़िए बरखुरदार, पहले ये सोचिए जो मसला पेशे नजर है उससे कैसे निपटा जाए। ये मोहतरमा तो दीवान खाने से लेकर गुसल खाने तक मौजूद है। क्या बोल रहे जी तुम्हें, अभी है क्या जो गुसल खाने में। अब हौले इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक से लेके साबुन तक ही नहीं छकते। ऐसा की ऐसा रहा तो यहाँ शेख को कौन संभालते। सोचिए यहाँ क्या कर रहा हूँ यहाँ। वो दरअसल मैं शेख भाई के कमरे में जा रहा था ना, ये कोल्ड ड्रिंक लेकर। एकदम फ्रेश है बाबा। अरे तेरे को बोला ना रे शेख के कमरे में औरता की तस्वीर नहीं लेके जाना। औरता की या इसकी। आप इस तरह हमें परेशान क्यों कर रहे हैं। बराए करम तशरीफ यहाँ से ले जाइए। अच्छा तुम्हें जाऊँ। हाँ हाँ जाइए। वो ईश रुक 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 एक मिनट, आप कुछ देर के लिए बाहर तशरीफ ले जाएंगे ताकि हम आपस में कुछ सलाह मशविरा कर लें। ओ, गुफ्तगू गुफ्तगू। ईशा ईश ईशा ईशा ईश ईशा ईश 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 ईशा ईश। देखा जू लगता है इसे सब पता चल गया, अब अगर इससे झगड़ा मोल लिया तो सारे की ये करा पर पानी फिर जाएगा। यार इन्हें तो ब्लैकमेल कर रहा। मजबूरी है, तुम्हें शेख को तस्वीर दिखाने से पेशतर ही सोचना चाहिए था कि इन हालात से साफा पड़ सकता है। जज्जू भाई हम ना कौन से अपने जेब से देना है सो। एटीएम मशीन लाले को है ना जी, कार्ड को लाऊं क्या। आशा ठीक कह रहा है, जरा सोचो क्या हम शेख से हमेशा चिपके रहेंगे। अगर हमने वेटर के मुतालबा के आगे सरे तस्लीम खम ने किया तो तन्हाई दरकार होते ही वो हमारे मनसूबा पर पानी फेर देगा। बोलो क्या बोलते हो। क्या करना तुम ही कर लो यारो। दार के जैसा दरवाजा ठोके जा रहे, जर्रा भी फुर्सत नहीं क्या तेरे को। देखिए भाई मेरे पास फुजूल बातों के लिए बिल्कुल फुर्सत, और वैसे भी मुझे यकीन है कि आप लोगों ने गुफ्तगू कर ली होगी। गुफ्तगू जी हाँ हाँ। और सुनिए हाजी, आपने गांधी जी के उन 3 बंदरों का मुशाहिदा तो किया ही होगा जो ना सुनते न देखते न बोलते। आपको भी उनकी हरकत पर अमल करना होगा। ये रहा उनका मौका। अरे गिनती क्या भाई, मैं गिन लेता हूँ। और हाँ हम आपके गोशे गुजार के देते हैं कि हमारे हुक्म की मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। आया ख्याले शरीफ में। बिल्कुल आ गया जी बिल्कुल आ गया जी। अगर आपकी मेहरबानी इसी तरह बंदे पर बरकरार रही तो ये बंदा वादा करता है कि शेख साहब पर नजरें जमाए रखेगा दीवान खाने से लेकर होटल खाने तक। ये आप रख लीजिए, ये ले लीजिए फ्रेश है, पी लीजिए। या निबड़े 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 छोटा छोटा। क्या बाप शेख को खुदलने से पहले इन्हों अपने को ही खुदल दिया ना।
बोलो बेटे। चाय। बोलो ना बेटी, क्या बात है? आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अपने कलेजे के टुकड़े से भी कोई नाराज हो सकता है क्या? पहले आप वादा कीजिए। वादा किया, मेरी बच्ची की कसम। ठीक है बाबा, मैं हैदराबाद जाना चाहती हूँ। फैशन डिजाइनिंग का बचा हुआ कोर्स पूरा करना चाहती हूँ। मैं जाऊँ? इसमें इतना सोचने की क्या बात है, वहाँ तेरे मामू रहते हैं ना, चले जाना। शुक्रिया बाबा। भाई मोहतरमा को पोशीदा रखने का मसला तो हल हो ही गया, अब जरा ये सोचिए कि शेख मियां को उनका दीदार कैसे कराएंगे। कराएंगे ना, प्रॉब्लम क्या है यारो, शेख को मुंबई ले जाके ऐश्वर्या से मिला देंगे, खत्म। चुप बैठो यारो, क्या बैगन की बाधा कर रहे, मुंबई गए तो मिलती उन्हें। वैसे नाचीज की राय तो ये है कि मोहतरमा को एक दिन के लिए हैदराबाद लाया जाए। क्या क्या बोल रही जी तुम्हें, तुम ना साली हो ना सो याने को। नहीं साली तो नहीं है, एक शेर जरूर है। अर्ज करो जी। शेर तुम वाला बगैर तुम वाला। दिलशाद दिलशाद। अबे हौले इरशाद। हाँ वही मुलायदा फरमाएगा। वो सामने आए घूंघट में, वो सामने आए घूंघट में, हम अपने होश गंवा बैठे। वो जलवा दिखाने आए थे दीदार, मगर हम कर न सके। वाह वाह वाह। अरे वाह नसीम भाई, तुम्हारी दुम शायरी तो काम आ गई। शेख को तो फेल लेंगे अपन। अरे क्या बात है बोशा, तुम्हें गाड़ी में बैठ दो, गाड़ी चलाने बड़ा मजा आता भाई। अब ये जरा उतरते भी पाशा। तुम्हारे चलाने पे मट्टी पड़ो, उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो, क्या तो भी हुआ जी। कुछ भी नहीं भी पाशा, जरा साइलेंसर उखड़ गया। ये तुम्हारा साइलेंसर बार बार उखड़ता काई कुजी, परसों रात में भी लटकने पड़ गया था। तुम्हारे बाबा दिए सो गाड़ी ना भी पाशा। क्या क्या तो भी बोले, बाबा दिए सो गाड़ी, क्या हयामत तक यही चला तेरे बोले। नहीं भी पाशा, गाड़ी बहुत अच्छी है, बस जरा साइलेंसर ही। क्या साइलेंसर की क्या नहीं की, वो बाजू वाले खाजा मियां भी है, उनका साइलेंसर तो कभी नहीं उखड़ता, तुम्हारा तो बीच में लटक जाता। हेलो चचा, ये चेतक है, इसको झुका के मारना पड़ता। झुका के कते मारो जी? हाँ? मुझे लगती पैदाइशी लगती बहुत। सुबह ले लेफ्ट हम तुमको बताती, हमारा बाप हमसे भी बड़ा उल्लू होती, वो चार चार पर उल्लू बनती। अरे बाप तू तो उल्लू का पट्टा निकला। बराबर हम उल्लू का पत्ता, हम उल्लू का पत्ता होती, हम उल्लू का पत्ता होती, उल्लू का पत्ता होती। अरे बाप जय, उसकी अक्या का पट्टी डालो जी, देख लिया तो हमारा भंडारा बाहर पड़ेगा ना। क्या मुसीबत है यार, सर मुंडाते ही ओले पड़ने लगे, ये मोहतरमा तो हाथ धोकर पीछे पड़ी है। कुछ कर बाप, ले तो वाट लग जाएंगी। तो छोड़ ना यार, देख लेने दे। क्या है? क्या कहा? अरे तो कब तक नाटक करते रहेंगे यारो, मतलब एक ना एक दिन तो होना ही चाहिए। जूते खिलाओगे क्या मियां? कुछ नहीं होएगा, बस तुम देखते जाओ। तुम लोग उधर देखती, उधर देखती, हमारा बुलबुल, हमारा बुलबुल का फोटो किधर? शेख उधर 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 देखती उधर। अरे नहीं ना शेख, ये तो किसी और लड़की का फोटो है। ये तुम क्या कहती, ये देखती, ये हमारा बुलबुल होती, वो भी हमारा बुलबुल होती। ये तुम्हारी बुलबुल नहीं है शेख, क्यों यारो? हाँ नहीं होती, ये देखती, क्या कहती तुम? देखो शेख, पीलिया के मरीज को हर चीज पीली नजर आती, वैसे मजनू को कुतिया भी लैला लगती। ऐसा इसलिए होता, जो चीज भेजी में घुस के बैठ जाती वही चीज हमको हर जगह नजर आती। अब तुमको भी बुलबुल से मोहब्बत हो गई है ना? बोलो बोलो। देखा देखा, तो इसलिए हर लड़की में तुमको बुलबुल ही नजर आएंगे शेख, समझे? ऐसा उधर देखो, ये भी तो हमारे बुलबुल होती। देखे पेरे पेरे पेरे
वो हमारा बुलबुल नहीं होती मगर हमको बुलबुल लगती पर नहीं होती, ये हमारा बुलबुल होती। आ गए बात, इधर रहते हैं मेरे बुलबुल जी। हो माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है ना बाप। हमारा बुलबुल हमारा इंतजार करती है। हाँ। चलती चलती चलती। अरे देखते जाओ संभाल। अरे शेगन्ना, पहले बोसा लेती। बोसा लेती? हाँ बोसा लेती। वैसा नहीं देती। अरे शेगन्ना, पहले नजराना देती फिर बोसा लेती। नजराना? हाँ। नजराना देती। दीजिए, इससे आपके बुलबुल को नजर नहीं लगेगी। नजर नहीं लगेंगी। आती ना शेख। आदाब जरा खिसक के बैठो, रहे तो आरस को देखने के चक्कर में सड़क को जाएंगे ना। सारी सारी। अय हाय हाय, किस कदर दिल फरेब मंजर है। चीगर थाम लीजिए, नाचीज शेर अर्ज करने जा रहा है। उधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके। अबे तुबर्रा नहीं मुकर्रर। हाँ भाईच। इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके। इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके। आगे बढ़ भाई। हाँ, इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से अब वो झांके। लगा दो चिलमन को, ना ये झांके ना वो झांके। वाह वाह वाह, क्या बात है रे। क्या कहती जनाब? उसके कहने का मतलब ये है कि दीदार यारी मुफ्त में नहीं होता भाई। सदका उतारिए, तोहफे तहायब दीजिए, नजराने पेश कीजिए, तब कहीं जाकर शरबत दीदार नोश किया जा सकता है। हम शरबत नहीं पीती। बस अगर बुलबुल को देखना है तो नजराना देना पड़ता। निकालो नजराना। नजराना? हाँ। नजराना देती, नजराना देती, नजराना देती। हमको देखने नहीं देती। देती? शादी के बाद देती। शादी के बाद? अभी बनाती शादी, अभी बनाती। अभी शेखन्ना, ये कफन और खजूर का पटका पहन के शादी करते। शेरवानी सिलाना पड़ता, वलीमा का कोट पैंट बनाना पड़ता, पुदीने का हार मरफा बहुत कामा है यार, हो तब जाके शादी होती। ऐसा? हाँ। ओए, हमारा बुलबुल को लेके जाती। हमारा बुलबुल, हमारा बुलबुल। बच्चे बात कर, मेरे बच्चे। चाचा, चाचा वो देखो शेख, तुम्हारी बेटी को ले गया। सो शेख फिर आया देखो। तो फिर आ गया रे शेख, अब किसकी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने आ रहे। 20 साल हो गए रे अपनी बच्ची को देखे हुए, तरस के आ रहे मेरी अपनी बच्ची। तुम लोग आकर भी अच्छे नहीं रहेंगे, एक बच्ची को उसके बाप से जुदा करके और तुम लोगों को खत्म करूंगा। कौन सी बच्ची? किसकी बच्ची? ये कौन होती? क्या कहती, क्या करती? हम किसी बच्ची बच्ची को नहीं जानती। अरे बाप, पागल बुड्ढे को जानबूझ के छेड़ा यारो। जानबूझकर? क्या मतलब? मतलब ये कि पागल बुड्ढे के डर से अब ये बार बार बुलबुल को देखने के लिए। ये लेके मारूंगा। अरे मेरा दूसरा साथी।
जा। हेलो हेलो, कौन? मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद भाई? तुम बाप बनने वाले हो क्या? कौन है रे तू? पहले मेरा ऑपरेशन हो गया रे। तुम्हारा हुआ ना, मेरा तो नहीं हुआ। हाँ? बेगम, ओ बेगम, क्या बात है? काय को इतना फड़फड़ा रही? वो क्या कर रही? बुलाया काय को, जल्दी बोलो, मेरी रोटी चल जाएंगी ना। वो बकते नहीं बकते। बेगम जरा देखो से मेरे पाँव भारी तो नहीं? हमारे अम्मा बाबा की अखल मारी गई थी जो मेरे को ये हत्थी के पाले डाल के गए। पूरी दुनिया में भेजा नहीं सो मरदवा, ये एक ही चोएंगा। सब गड़बड़ होती, सब उल्टा पुलटा होती। उई, मेरा बैग किसके पास होती? आपके पास ही तो था। उई, मेरा बैग गुम होती? जनाब जाने दीजिए, जान बची लाखों पाए, दूसरा खरीद लेंगे। क्या बात करती, तुम्हारा दिमाग खराब होती? उसमें हमारा पासपोर्ट होती, पासपोर्ट। ये तो बहुत बुरा हुआ। हा? टेंशन नहीं लेने का मामू, मिल जाएगा। हाँ, अरे सीनू वहीं गिर गए होंगे यार, जाके देख। जाती जाती। अरे यार तुम भी ना। जज्जू भाई, जज्जू भाई मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो पाशा भाई। लाइफ का तो इसे बोलते जी, बैठने को नरम, सोने को नरम, न लाने की फिक्र न पकाने की फिक्र, जिसमें जी पड़िया घंटी बजाओ ऑटोमेटिक आ जाता। क्या पाजा भाई, क्या एटीएम मशीन लाई जी तुम्हें भी? उसे वापस नको भेजो जी अज्जू भाई प्लीज। बराबर बोला बाप, पैसे में ही परमात्मा होता कते? होता होगा यारों, मगर हकीकत यह है कि हरकत में ही बरकत है। जिस पल भी जिंदगी पर जमू तारी हो गया, उसी पल जिंदगी का खात्मा समझो। बकौल शायर, ऐ तायरे लाहोती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। सही बोला नसीम भाई। चाय गरम 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 चाय। भाई शेख साहब को दी? बस ले जा रहा हूँ उनके लिए भी। ठीक है जाइए। लंच ले गया। लंच में क्या लोगी जी? एक चिकन अफगानी, चिकन रशीदा, चिकन नलबजारी, चिकन बेडी बजारी, चिकन चोर बजारी, चिकन बहरम पड़ा, चिकन अगरी पड़ा, यही सारा पड़ा मटन बेबी है। बोलो क्या पड़ोगे? सौब ले गया, इसके अलावा जो भी है वो भी ले गया। बहुत खूब। पांच निकोड़े की जरूरत थी बस। तेरे को सुबह में तो दिए ना रे। क्या साहब, सुबह चाय पिए थे ना, फिर अभी क्यों पी रहे? हर वक्त की अलग अलग जरूरत होती है ना। अब देखो जैसे मैं सुबह उठता हूँ ना, तो मुझे दोपहर की जरूरत नजर आती है, दोपहर को शाम की, शाम को रात की, और बोलो सुबह फिर वापस आ जाती है। जाता की लाता खाता। साहब साहब साहब, आप बड़े लोग हैं, वहाँ लेटे लेटे भी मुझे लात मार सकते। ये कमरे में गर्मी क्यों है इतनी? एसी ऑन नहीं है क्या? जय बेटेजमान। हाँ? चालू है ना जी, दिखता नहीं क्या? ओहो हो हो हो, लगता है मेरी कमजोरी की गर्मी है। हाय जी। अच्छा मैं शेख को चाय पिला के आता हूँ। बहुत बड़ी है साले की, खाली करना पड़ेगा। यार ये बेवक्त की रागनी कभी अच्छी नहीं होती, मांगने का भी एक वक्त होता है। क्या साहब, कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? या आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जब सिर्फ बैंक हुआ करता था? आज का जमाना एटीएम का है, 24 घंटे रागनी गाते रहो, पैसे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। हाय अल्लाह, कोई खुजली मिटा दे हाथ की। अज्जू ये एटीएम का कोड बदलना पड़ेगा। गिनते क्या हो पैसे, बरकत चले जाएगी। ऐसे घूर के मत देखो मेरे को, 15-20 टी शर्ट है ऐश्वर्या की, बदल कर अभिषेक बच्चन की ले आऊंगा। अच्छा फ्रेश चाहिए, पी लो। एक चाय, चार चाय देना। बुरा मत माना करो। और कौन से बिस्किट लेंगे? हाँ वो कौन सा काम है? चाय चाय में। हाँ जल्दी करो यार, वो बॉस फड़फड़ा तो होगा। क्या तो भी कर रहा रे? अंकल जा रहे गाड़ी में, तू बहुत मेंटेन करते भाई, अपने पास क्या है, सब चलता है। अरे जल्दी चलो यार। हाँ चल 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 चल। पैसे चाहिए मुझसे, पैसे चाहिए।
परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं यार, नींद नहीं आ रही। खुदारा हमसे मत छिपाइए, हमने महसूस किया है कि आज दिन भर भी तुम कुछ खोए खोए से रहे हो। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मां यार, अपनी जिंदगी तो एक दूसरे के लिए खुली किताब की तरह है, इसे इसे बंद मत करो यार। मैं आज सानिया को देखा यार, मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया। ऐसा नहीं करना था मेरे को, नहीं करना था। ऐसा कब तक होता रहेगा इंस्पेक्टर? जब तक आप लोग इन्हें बढ़ावा देते रहेंगे। वैसे हम भी हाथ पर हाथ रख करने बैठे हैं। हमारी कोशिश तो यही है कि ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे शहर की बदनामी हो। हम नजर रखे हुए। उस वक्त पुलिस की नजर कहाँ थी जब एक शेख ने दो मासूम लड़कियों के साथ बड़ी बेशर्मी से एक ही कमरे में रात गुजारी थी? पुलिस के आपके बेडरूम में झांकती फिरेगी? इस वाकये के सीधे सीधे आप लोग जिम्मेदार हैं। आपके घरों की हिफाजत आपको करनी है। अरे जब दरवाजा खुला रखेंगे तो लुटेरा तो आएगा ही ना। मरहबा, पूछो पूछो, ये देखो क्या लाया। बंगाल का रसगुल्ला, गुजरात का ढोकला, मुंबई की जलेबी। शेख भाई कौन चलेगी? हम कुछ नहीं लेती। नहीं लेती? कोई बात नहीं, पिक एंड नॉट। अपने पास फॉरेन आइटम भी है, ये देखो, पिज्जा, बर्गर, नूडल, पास्ता, एकदम सस्ता। बोलो क्या लेगी? हम ये सब नहीं कहती, हम तो हैदराबादी बिरयानी खाती। हैदराबादी बिरयानी? ओ शेख भाई, ये हैदराबादी बिरयानी नहीं, ये तो बॉलीवुड की। शेख भाई ये नहीं खाने का, तुम ये खाती तुम्हारा पेट खराब होती, बाद में जुल्लाब होती। नहीं खाती, नहीं खाती, क्या कर रहे थे, क्या देख रहे थे? क्या मालूम तुम्हारे को, फोटुआ देख के मजे ले रहे थे। ये चंपक क्या लाया था तुम्हारे को मालूम? एड्स की चलती फिरती दुकान लेकर फिर रहा उन्हें, होल सेल में HIV बांटता फिर रहा मालूम। और ये तुम्हारी शादी के बारे में लोगों को मालूम हो गया तो पुलिस वाले डाल लेते, तुम्हारे साथ साथ हम सब भी अंदर हो जाते। अब कभी ऐसी हरकत ना को, समझे समझे? सॉरी सॉरी। हाँ बोलिए साहब। मंजे गरम गरम खदमों का सालन काले को लाओ जी। खदमों का सालन, ये क्या है रे? अरे मियाँ, इनसे मुराद पाए का शोरबा है। ये क्या ले को बैठो भाई, खाना खाने आए लाता खाने आए। अरे जाओ भाई, जरा कैटलॉग तो ले गया। कैटलॉग? वो तो कलर की दुकान में मिलता साहब। अरे मियाँ मजाक कर रहा है, जाइए मीनू लेके आइए। कमाल है। और मियाँ वो तुम्हारी शमशाबाद वाली जमीन का क्या हुआ? अरे एक ही झटके में हो जाता, मगर क्या करें, डैड और मॉम की ट्यूनिंग जम रही नहीं। ऐसा क्यों? डैड के उठने से पहले मॉम चले जाते और डैड के आने से पहले मॉम सो जाते। ट्यूनिंग नहीं जमती कहते, फिर इन्हों कैसे ऐसे जी? क्या बोल रहा फट्टू? अरे मैं वो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों? बिजनेस और क्या। अरे क्या यार, कुछ मंगा है नहीं मंगा है? अरे टर मीनू घर से लाने का जगह है। चाहे मुझे फर्स्ट टिच मालूम जी, ऐसा होता सो उससे पहले कदमों का सालियन सोच लिया सो। आइए जनाब। पाशा आपके बारे में कह रहा था। क्या खिलाती? ये लो। ये क्या? अरे इकबाल तू, अज्जू भाई आप यहाँ कैसे? हाँ अज्जू भाई, यही काम कर रहा हूँ मैं। क्या मगर तुम तो अच्छे खासे। सब खत्म हो गया अज्जू भाई। अरे मैं जरा इधर आ, मैं बस एक मिनट में आया अज्जू भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या फिलहाल? इधर बात चिन्ह रह जाती, हम समझाती नहीं समझती, डील कैंसिल करना चाहती, आपको इधर फौरन आना मांगती। ला ला ला, मैं थी बहुत जल जाती, तुम संभालती कुछ दिन और संभालती, इधर हमारा पासपोर्ट गुम होती तुम उधर से डुप्लीकेट पासपोर्ट भेजती, हम आती बहुत जल जाती। खलास तुम देखती, ये हमको बार बार फोन करती, अर्जेंट बुलाती, तुम हमारा बिल हमको देती, हम उधर जाती। क्या फड़फड़ा रहे भाई, कराते ना शादी? कराती? कब कराती? तुम क्या कहती, शादी करती, वलीमा करती, पानी नहलाती, और तुम क्या कहती, हमको उल्लू बनाती, रोज बनाती, कब बनाती? इधर उल्लू तैयार, उधर बिल्कुल तैयार, देर क्यों लगाती? सुनिए तो जनाब, हमको सुनने नहीं चाहती,
हम शादी बनाती, उल्लू बनती, अभी बनती, अभी बनती। शादी अभी नहीं बना सकती। नहीं बना सकती? नहीं बना सकती। बल्ला क्यों नहीं बना सकती? अरे तुम्हारी बुलबुल को चिकन गुनिया हो गया से करना। चिकन गुनिया? हाँ चिकन गुनिया। हम चिकन तंदूरी सुना, चिकन अफगानी सुना, चिकन बिरयानी सुना, ये चिकन गुनिया क्या होती? बहुत डेंजर बीमारी होती बॉस, हट्टा कट्टा आदमी भुट्टे में मिल जाता। बता रहे सीनू? हमारे बिल्कुल भी ऐसे होती हम इंतजार करती। मैं बस करना, ये कब कम होती? होती होती, सबर है सबर। सबर सबर तुमको भी चिकनगुनिया होती? हाँ शेख भाई। अब क्या बताओ, अल्लाह की कसम ये चिकनगुनिया बीमारी, कोई पैसे दे दे तो अपना इलाज करवा दूंगा, वरना अपना क्या है। मुझे पच्चीस मालूम जी ऐसा होता सो उससे चिकनगुनिया की गुनिया साथ रखी हूँ। लो खाओ। ये कहने से चिकनगुनिया कम होती? कम होती। कम होती कम होती बॉस, लेकिन जल्दी नहीं होती। सी करना, इसको कुछ पैसे दो ना, बेचारा अपना इलाज करा लेगा। देती देती। हाँ। ये ले, निकल नहीं तेरा इलाज यही शुरू हो जाएगा। चल अब चल। बॉटल भूल गया। पैसा लेती अच्छा होती। ये पैसा तुम क्यों लेते? बुलबुल के इलाज के लिए शेख। हमारे बुलबुल भी अच्छे होते। होती होती कौन होती? असलम भाई का फोन है यार। नमस्ते असलम भाई। क्या रे सीनू, अभी नहीं निकले क्या? पहुंच रहे असलम भाई। क्या रे, पार्टी है ना रे, भूल गया क्या? तेरे दोस्तों के साथ वो शेख को भी ले गया। अरे आ रहा हूँ असलम भाई, बस पांच मिनट में पहुंच रहा हूँ असलम भाई। अरे यार आज असलम भाई की एंगेजमेंट पार्टी है, चलो जल्दी निकलते हैं भाई। चलो चलो जल्दी चलो। मट्ठी पढ़ो, ये माठी मिला कब आता कि क्या है कि कयामत तो भी जल्दी आएंगी, मगर एक कमीना जल्दी नहीं आएगा। देखो क्या खाला। आई आ गया रे बाबा, बड़ी लंबी हयात है तेरी। कैसे हैं? आई मैं अच्छी हूँ, मैं जब से तेरे ही गुनगारी थी बेटा। हाँ? ये लड़का नहीं इंजीनियर है, अमेरिका में रहता, खानदानी लोग हैं, पूछताछ की जरूरत ही नहीं है। लड़का इतना शरीफ है बेटा, बीड़ी का ना काड़ी का। अब बोलो क्या बोलते है। आई क्या हुआ रे बाबा? ऐनक ची है। आई नक शौक को लगाता कहते बेटे। नको हाँ? दूसरा लाओ। मट्ठी पढ़ो, इसकी अक्ल पो आदमी है या घोकरू का काटा माठी मिला। सुल्तान पहलवान ने एक शेख और दलाल की जमकर पिटाई की। आज लगो ऐसे धंधे को, मट्ठी पढ़ो ये मुशातागिरी का धंधा, खबर का अजाब बन गया मुशाता बोले तो। चल रे बा चल जल्दी चल, अभी कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ना है कि क्या है कि फिरते फिरते चपला घस गई, अब पावा भी घसे जाने की नौबत आ गई। किसकी बात करें खाला जान? किसकी बात क्या रे बाबा, वही सुल्तान माठी मिलेगी बहन के वास्ते। पिछले तीन साल से रिश्ते देख रहा है, कोई रिश्ता भी उसको पसंद नहीं आ रहा है। समझ गई दुनिया में उसकी बहन के वास्ते कोई रिश्ता पैदा ही नहीं है ना। लड़का लड़का हाँ। कहाँ है रे बाबा बताना जल्दी। अरे चलिए आपको सीधे मिलवाई देता हूँ। चल रे बाबा जल्दी चल, अल्लाह तेरे को अच्छा रखो। हमको देखने कौन आती? तुम्हारी बुलबुल की नानी। नानी वो क्या होती? नानी मतलब अबे बोलना। अम्मा के अम्मा मतलब मेन प्रोडक्शन। समझी समझी, नानी मतलब चैन देती। अरे मेरे बुलबुल चैन के टुकड़े का टुकड़ा होती। जय सीनू, शेख शायरी छोड़ रहे हैं। सुल्तान सुनेगा ना, ऐसी दाद देगा ऐसी दाद देगा, पूरा जिस्म दांता ही दांता रहेगा, बस तेरा दांत नहीं रहेगा। मैं पूछ रहा बाप। देखो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। क्या मरने के वास्ते खुद ही सच को जा रही है। जय सीनू, शेख अजमान मार खाने के बाद कैसा दिखता सो? चुसा हुआ आम, पिचका हुआ चंबू। क्या कहती? बहुत समझ लिया ना, तेरी शादी तो बुलबुल से पक्की समझ। तो आप अच्छी तरह समझ गई ना? अच्छी तरह समझ गई रे बाबा, बहुत अच्छी तरह समझ गई। तीन साल की मेहनत आज रंग लाएंगी देख बेटा। बेटा जरा लड़के को दिखा था बा।
बोले तो ऐसा होता, जैसा तू चाह रहा था ना वैसे ही छेदे। तेरी बहन के तो नसीब खुल गए, अरे ये समझ तेरे भी किस्मत खुल गए। अरे तू तो फकर महसूस करेगा इसका साला बन के। तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझू? पक्का? तेरे को तो मैं कच्चा चबा के खाऊंगा। मेरी बहन के वास्ते आवारा शेख का रिश्ता लाती। चक्को इसको अंदर ले जाके उल्टा लटका। अरे मैं नहीं रे बाबा, तू अज्जू माठी मिला भेजा रे रिश्ता। अज्जू? हाँ। उसको भी लेके आ रे जरा। अरे तोबा कर ले बाबा, ये मुशाता के काम से। चुप। कल से इसके दिमाग में सोले घुसा हुआ है जय। इनको बसंती पसंद आ गई सर का है जी। ये आने के बाद ही जिसको फिल्मों का मजा लग गया, नहीं तो इसको फिल्मों के बारे में कुछ नहीं मालूम था। इस मौके पे तो मुझे शेर याद आ रहा है। नक्को जी शेर, हमें यहाँ पहले से बेवर्षों के जैसा बैठ को है जी। कितने आदमी थे? दो थी, दो। अज्जू जर्रा इसके सर से सोले का बुखार उतार बाप। बस रात भर जग के यही देखी ना, अब दूसरा देखी। हम देखती, हम क्यों देखती? शादी कर लो। पीछे पीछे पीछे, ये क्या बताती, क्या बताती? हमने एक और धोखेबाज को गिरफ्तार कर लिया है और आगे भी करते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि कोई भी शेख शादी के नाम पर धोखा न देने पाए, इसलिए हमने सारे होटल्स पे छापे मारने शुरू कर दिए। शेखों के साथ साथ हम उन दलालों को भी पकड़ना चाहते हैं जो शेखों को शादी का लालच देकर यहाँ लाते हैं। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये क्या कहती, क्या कहती? पुलिस शेख को क्यों पकड़ती? अब तुम्हारी बारी है शेख। हमारी? हम क्या करती, क्या प्रॉब्लम होती? आपने कुछ नहीं किया जनाब, जो कुछ किया आपकी बिरादरी ने किया है। यहाँ की लड़कियों से शादी करना, उन्हें धोखा देकर निकल जाना, फिर उनसे। अरे पिंडे की कमेंट्री बंद कर भाई। देखो अब यहाँ रहना अपने लिए खतरनाक है। हाँ यार, यहाँ के पुलिस वाले बहुत कुंदल कुंदल के मारते कते। अब इस पटके का कहीं और इंतजाम करना पड़ेगा। जय मंजे फस्टिस मालूम जैसा होता सो उससे मेरा कमरा पक करके रखियो। तो ठीक है, हम लोग गाड़ी लेके आते। चल सिंह चल। जयजू भाई तुम्हें अर्जेंट आओ जी, हम यहाँ चपले को बैठती। क्या फटू है यारो इन्हें? क्या है, क्या है? क्यों डर रहा है, आ रहा है ना? एक्सक्यूज मी जी, आपके होटल में मोहम्मद खालिद अहमद मसूद अल खुलेदी बिन जाबरी नाम के कोई शेख रुके हुए हैं? सर इतने सारे शेख तो नहीं है, पर एक शेख जरूर रुके हुए हैं। उनका नाम कहीं ये तो नहीं? हाँ यही है। थैंक्स। मुझे इनके बारे जानकारी चाहिए। कौन से रूम में रुके हैं? 603। जय नसीम। नसीम अहमद कहो यार। हाँ नसीम अहमद, इन लोगों का बात है कि क्या नहीं की मंजे तो डाउट जी। तुम इतने सहमे हुए क्यों? आ जाएंगे, अभी अभी तो गए हैं। देखो पखौले शायर। जय शेरा ने जी, अल्लाह के वास्ते शेर शायरा ने जी, हम ना पहले छू परेशान है। अच्छा ठीक है अब्बा, जल्दी चलो, ज्यादा जपना नहीं पड़ा। जपने वहाँ नीचे इंस्पेक्टर शेख के नाम की माला जप रहा है, इंक्वायरी कर रहा है उसके बारे में। उन्हें ऊपर आने तक अपन निकल जाना, सामान पैक कर लो। जय मंजे फस्टिच मालूम जैसा होता सो उससे आए जब से बैग खोलिया आज नहीं। इधर से निकल कर हम किधर जाती? शमशान। शमशान अच्छी नहीं होती? अच्छी जगह होती? बहुत अच्छी जगह होती। इधर एसी होती? हाँ होती एसी, एसी भी डीसी भी सब होती। तू चल बाप। चल चल चल। अरे चलो इधर से। चलो जी चल 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 चल। क्या क्या भाग्य लाया इसने। निमड़ा 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 छोटा छोटा चाचा क्यों ऐसे निमड़ा? हमारा बुलबुल, हमारा बुलबुल का फोटू, हमारा ये बत्ती क्यों नहीं होती? ये मोती हमको कौन मारती? क्या करती अंधेरे में? कौन किसकी मारती पता ही नहीं चलती? हमारी प्रॉपर्टी होती मारती। अम्मा
जय मंजे फर्स्टिच मालूम जैसा होता सो उससे दर्दों का बाम साथ रखूं। लो इस्तेमाल कर लियो। अरे मजे भी साथ ले जाओ जी, खेलो जी, खोलो जी, खोलो। अरे इधर से नहीं जाओ, चल। क्या करेंगे यारों? मर गए। पुलिस चाहिए। अबे तीनों, यार तेरे मतलब हमारे ऑटो से तो तेरी भांति होगी ना? यार सलम भाई जरा दिखाओ तो इनको। ऐसा? सीनू, अब देख। क्या बात है? बस थोड़ा सा तेज़ हो रहा सलम भाई। जल्दी पे करते, जल्दी। चलो बाबू उतरो उतरो नीचे उतरो। चलो बाहर आ जाओ कौन है भाई क्या किस्सा है? इससे कहना कुछ नहीं बाबा, तीन महीनों से ये मने बने गाड़ी लेके मजे से फिर रहे। चलो इन पेपर हम साइन करो। क्या बकवास कर रहे हैं, मेरा कोई ड्यू नहीं है। ड्यू नहीं है? नहीं है तो फिर गाड़ी सीज करने के आर्डर कैसे? तुम लोगों से गलती हुई है। हो सकता है मगर आपको मेरे साथ बैंक तो चलना पड़ेगा। ठीक है चलो। चलो भाई उतारो सबको गाड़ी से उतारो। चलिए चलिए चल रहे उतर गाड़ी से उतारो। बाहर आ जाओ सब। चलो आ जाओ उतरो। क्या मुसीबत है यार। सीनो गाड़ी में सामान ले दो, तुम दूसरी गाड़ी करके निकल जाओ, मैं इनको निपट के आता हूँ। ठीक है असलम भाई। उन लोग गए जी। कैथी असलम भाई के दिमाग को मानना पड़ेगा यारो, सिंगल गाड़ी पे डबल फाइनेंस। वो कैसे रे? इजी, गाड़ी लेने के लिए जैन सेठ से 2 लाख रुपए फाइनेंस लिए। हाँ। वो इस 2 लाख बैंक में डिपॉजिट किए तो बैंक वाले गाड़ी दिए, डबल फाइनेंस हो गया ना। क्या जी जय, हमें भी उनके गुड़िया में उनके भाई। ये तो उनका कमाल है, लेकिन हमें तो खुली सड़क पर लाके छोड़ दिया। बकौल शायर, बहुत बेआबरू करके सड़क पर लाके छोड़ा है, मियां अब कैसे घर जाएं, न गाड़ी है न घोड़ा है। हेलियो, हमारी परेशानी हम ना है, इनको शेरशाहियां लगी है। क्या हुआ है? क्या तो व्यू आ रहे, किसको देख के चुप रहा? मामा जा रहे। ये क्या होती? गुट्टा बारकस होती। गुट्टा बारकस वो क्या होती? बैठने के बाद मालूम होती। चल चल, इसमें ऐसी होती, चारों तरफ से होती। बैठती 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 बैठती। गुट्टा बारकस, गुट्टा बारकस, चलो चलो बैठो। अरे क्या बेगम तुम भी ना, हर काम में देर करके। चलो बैठो। आई बैठो की सीख ले रहे कहीं को। ये हमारी गाड़ी में क्यों बैठती? बच्चे कच्चे वाले हैं बेचारे, थोड़ी दूरी पे उतर जाते। हाजा नफर मिस्की मिस्की। उधर से खींचती, हम बीच में से टूट जाती। ये गुट्टा बारकस होती, हम आज के बाद गुट्टा बारकस में नहीं बैठती। नहीं बैठती, पहनी पहनी, कभी नहीं बैठती। वही बात है, आइए चलो। नहीं रहती, नहीं रहती, अब हम हमारे वतन को वापस जाती।
तुम हमारा जिंदगी खराब करती, पागल से पिटवाती, पुलिस पीछे लगाती, कुत्ता बारकस से पिटाती, हमारे क्या हाल करती? क्या हाल लाने तो जीनो मामू, टेंशन नहीं लेने का, हम जाती वापस जाती अभी जाती 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 तो ये तुम्हारी बुरा शादी बना के जाती, हम हमारे बिलबुल के वास्ते कुछ भी करती। रे पाशा, ये खजूर को कहाँ से उठा के लाए रे? आदाब भाभी जान, पानी। कौन है रे तू? काय को आ रही है? शादी बनाने को आती। क्या रे पाशा, ऐसे काम शुरू करे तुम्हें? ये शादी का क्या खिस्सा है रे? पहले शेखों को पकड़ लेके जा रहे, ये नई मुसीबत डालते क्या हमारे गले में? अरे नहीं भाभी, भाभी जान मैं भाभी भाभी कुछ नहीं, पहले इसको यहाँ से निकालो। मेरी प्यारी भाभी जान, पहले मेरी बात तो सुनो, ये शादी वादी कुछ नहीं है, असल में तो इन्हें शेख भी नहीं है, पागल है। हम पागल नहीं होती शेख अन्ना, तुमको पागल बनना ही पड़ेगा वरना पुलिस सब निकाल लेती। शादी का काय को बताए तुम, मिस्टेक तुम्हारी है। हमारी पागल पकड़ती, एक हफ्ते से यही ड्रेस पहन के घूम रहा है, उतार रहा है चनी ऐसा हाउ। अंतम से शादी बनाती, हनीमून मनाने होनोलुलु लेके जाती। ये होनोलुलु क्या तो भी है रे, मेरे को लेके जाता कते, ये पागल तो मेरे पीछे पड़ गया। होनोलुलु लेके जाती, होनोलुलु लेके जाती, रुकती हम शादी बनाती, होनोलुलु लेके जाती, रुकती 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 हम होनोलुलु। अब बात तू तो बहुत धारकारी निकला रे बाप, तुम देखती कैसे बगैरती। अरे जनाब, अगर आप हॉलीवुड पहुंच जाएं तो आपकी तो छुट्टी हो जाएगी। कल के अखबार में सुल्तान के मरने की खबर जरूर आनी चाहिए, ये लो एडवांस। ठीक है मिस्टर एमएलए, आपका काम जरूर होगा। हाँ भाई, सुल्तान आने वाला है। बोत में गन रखी हुई है, उसे ठोक दे। हो जाएगा। अरे हेलो डार्लिंग। अच्छा सुन, काम से तो फिल्म के दो टिकट लाए हुआ। अच्छा वक्त पर पहुंच जाना समझी ना, चल जल्दी से पप्पी दे। अंकल आप नमस्ते नमस्ते, मुझे लगा आंटी है। कुत्ता कमीना, कुत्ता कमीना दोनों, तेरा बाप। जरा जल्दी, क्या है ठोकता क्या है, फोन कर रहा हूँ ना। हेलो पुलिस स्टेशन, सुनो चार मीनार पर किसी ने बॉम्ब रख दिया। कौन बोल रहा है? अच्छा नाम बताऊंगा तो क्या गोद ले लोगे? अरे बेकार बातों पर वक्त जाया मत करो, फौरन पहुंच जाओ वरना फट जाएगा बम। हाँ पुलिस वालों की तो फट गई होगी, मेरी बात सुनकर अब तक तो पहुंच भी गए होंगे बेचारे कुत्ते। पुलिस वालों को लेकर के चार मीनार के इर्द गिर्द इर्द गिर्द इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होंगे। फोन कर। क्या है भाई? थोड़ा अर्जेंट है जी। इधर ही करोगे? वहाँ भी तो है ना टेलीफोन बूथ। अरे दस कदम चल के जाओगे, ये जो तुम्हारा पेट है ना पेट, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। उतनी हाथ में सेल फोन। अरे ओ विधवाड़ा, आठ आना बचाने के चक्कर में दूसरों को परेशान करते हो। हेलो हेलो, डॉक्टर खोरपड़े स्पीकिंग। सुनो कुत्तों का इलाज करते हो? फोन पे कैसे करूं, सामने आ कुत्ते। ये तो मेरा भी बाप निकला। क्या कर रहा, उसको बाहर निकाल जल्दी। कैसे निकालो भाई, फालतू में ब्लैंक कॉल किया जा रहा है और अंदर से बंद कर लिया है। हाँ बस आ रहा हूँ। सुल्तान आ रहा है, क्या करूँ, किसी को परेशान करूँ या ना करूँ? अरे वाह,
आउट गोइंग पे एक इनकमिंग फ्री। मेरे बाप का क्या जाता है, हेलो ही बोलना है ना, बोल देते। हेलो क्या बे, तेरे को बहुत चर्बी चढ़ी है साहे। क्यों भाई, तेरी चर्बी पिघल रही है क्या? अच्छा सुन, मेरे 10,000 रुपए कब देगा तू? मरने वाला क्या करता रे पैसे लेके? कौन मरने वाला है भाई, मैं? इसी पर रखा, गोली मार दूंगा। मेरी बात गौर से सुन। और नहीं सुना तो? गोली चलेगी, भेजा बाहर निकलेगा। मेरे सिर में तो भेजा है ही नहीं। किसने बम मारा भाई? उठा रे रिसीवर, उठा उठा रे। कहाँ से बोल रहा है भाई? उठा रे रिसीवर, उठा है? उठा, ये लटकता बोल रहा है। हेलो, दोबारा रिसीवर रखेगा खोपड़ी उड़ जाएगी, समझा? ए भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? क्यों मेरी खोपड़ी उड़ाना चाहता है तू? काम बिगाड़ा रहे मेरा है? बहने बहने कम बिगाड़ा। एक्सक्यूज मी, अर्जेंट कॉल करना है। बाहर आइए ना, मुझे कुछ नहीं पता। अर्जेंट कॉल करना है मेरे भाई, बाहर आइए ना। लड़की कैसी है रे? मस्त, एकदम चिकनी। आंख मार है? आप दिखाई नहीं देते, कैसे आंख मारूं आपको? एक्सक्यूज मी, अबे शानी, मेरे को नहीं लड़की को। नहीं 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 यार, मेरे को पिटवाओगे क्या? मुझे दोबारा बोलने की आदत नहीं। अच्छा, मतलब दोबारा गोली मारने की भी आदत नहीं? ए भाई, रुको 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 रुको, मारता हूँ। ए कुत्ते कमीने, गुड, अब फ्लाइंग किस दे। किस कैसे तू भाई, हट्टी गट्टी पहलवान छोकरी है, बहुत मारेगी मेरे को भाई। बहुत भरी जैसा है रे तेरी, लौंडपना कर रहा मेरे साथ। अरे भाई यार, देता हूँ देता हूँ, एक मिनट। अंदर है के नाटक कर रहा है, बाहर निकल। हिम्मत है तो यही रुक, अभी माँ को बुला खिलाती हूँ। रजी रास्कल। अरे माँ क्या, अगर उसकी माए ना, और उसकी भी माए ना, तो उसको भी बुला के ला। भाई कैसा रहा? गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू थैंक यू। अज्जू है? हाँ भाई, मुशायदा बुड्ढी ने पहचान लिया इसको, मगर वो होटल छोड़कर भाग गया। कहाँ भागता पता लगा? जी भाई, शेख को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मगर पहले इस अज्जू के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए कौन है रे तू, मेरी बच्ची को छेड़ता रे तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई? भाई वो तो माँ को ला रही है, माँ को। ए जवाब दे रे कुत्ते, मेरी बेटी मिली क्या तेरे को? उसको बोल तू भी चलती है। ये तो ए, ले ले ले, मैं कैसे बोलूंगा भाई, माँ भी हट्टी करती है, दोनों पकड़ के मारेंगे मेरे को भाई, क्या फंसा दिया ये? उसको बोल इस उम्र में भी खूबसूरत और सेक्सी लग रही है। ए भाई रहम करो रहम करो, माँ बेटी पकड़ के छील डालेंगे मेरे को। अभी बोल रहे हैं। बोलता हूँ सुन, इस उम्र में भी तो गुलाब का फूल लगती है। माँ ये गुलाब बोलता रहे मेरे को, तेरी बाहर निकल रहे, चटनी बना दूंगी तेरे को चटनी। अब खलनाए का गाना गा। थुक 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 चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। अबे डांस भी कर। अबे क्या खुद को मोगले आजम समझता है? डांस करो। चुल्ली के पीछे क्या है, चुल्ली के पीछे। ए कुत्ते के पिल्ले, बहुत हुआ रे तेरा हरामीपन। ए भाई भाई, वो मेरे करीब आ रही है भाई, क्या करूं? अबे डर मत, पीछे गन रखी है। हाँ डालू, कहाँ डालू? अबे हाँ, फोन के पीछे। आपको कैसे मालूम भाई? हाँ ये तो सच में गन है भाई। ए भाई ये चलेगी क्या? चलेगी मगर चलाना को खाली बिल्डअप दे। कहा हो भाई, एक बार नजर आ जाओ, वादा करता हूँ दोबारा नजर नहीं आओगे। दम है तो बाहर निकल, निकल बाहर। ए झाड़ू वाली गुलाबो, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाई ना गोली मार दूंगा तेरे को। गोली मारता क्या? मार रे मार, हिम्मत है तो गोली मार। भाई चलाऊं क्या? अरे वाह भाई, क्या अकलमंद गन है ये, घोड़ा दबाया नहीं के गोली चली। गन से डराता मुझे? तेरे में हिम्मत है तो इधर ही रुक,
अपने भाई को बुला के लाऊंगी मैं। उसके पास इससे भी बड़ी गन है। चल 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 इधर ही रुक बे। अब भी लाती हूँ मैं। हरामी का पिल्ला डराता है। वो लोग गए, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाओ। के सानिया, I'm sorry, रुको सानिया, सानिया, मैं बदल गया हूँ। तुम नहीं मिस्टर जू, तुम्हारा मूड बदल गया है। जब दिल तोड़ने का मूड था, तोड़कर चले गए। अब जोड़ने का है तो जोड़ने चले आए। सानिया, जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाओ? जब तुम कहो तो उठ जाओ, कब बैठो तो बैठ जाओ। मेरा भी अपना वजूद है, मेरे भी जज्बात हैं। फीलिंग सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है मिस्टर जू। लेकिन बात सिर्फ फीलिंग्स की नहीं सानिया, बात तो हमारे प्यार की है। प्यार करने की तो काबिल ही नहीं रहे तुम। मुझसे गलती हो गई सानिया। प्लीज प्लीज, मेरे को मालूम है मेरी गलती माफी के काबिल नहीं, मगर मैं तुमसे इसलिए माफी मांग रहा हूँ क्योंकि पैदा होती मेरी माँ गुजर गई। शायद माँ होती तो मालूम होता कि औरत क्या होती। ये समझने का मौका ही नहीं मिला कि औरत ही होती है जो जो आदमी को संभालती है, संवारती है, इंसान बनाती है। और आज जब मैं समझ गया हूं तो तुमको नहीं समझा सक रहा हूं। फिर भी मैं मायूस नहीं हूं। एक न एक दिन तुमको मालूम हो जाएगा कि मैं सही भी बदल गया हूं। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब तुम्हारा दिल भी मेरी तरफ से साफ हो जाए। चलो पूजा। क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं आप? क्या डिमांड्स हैं आपकी? अरे डिमांड नहीं है मेरे भाई, कोई डिमांड नहीं है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम। अबे मेरे को बताने की कोशिश कर रहा? बहुत चालाक भाई आप, बहुत चालाक। मेरे इशारे आपको फोन के जरिए दिखाई देते हैं पर इसको दिखाई नहीं देता। आप किससे बात कर रहे हैं? ऊपर वाले से। ऊपर वाला? कौन है रे? किसकी हिम्मत हुई मेरे इलाके में आके मेरी बहन को छेड़ता? इसको देख को डर गई? ये तो चिकनैन आ रहे। मैं भी यही समझी थी, मगर उसके पास गन है भैया। वो गन? अरे इसको बोलते गन। देख देख भाई, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हो सकता है उसके पास बम हो, सारा इलाका तबाह हो जाएगा। एक काम करते, डरा के छोड़ देंगे। ये सिर्फ डरा के छोड़ेंगे। कैमरामैन शंकर के साथ टीवी 9 के लिए मैं पीके मरे। क्या बक रहा था? बोल बोल रहे। सुना भाई, आप ही बोलो। क्या बोलूं मैं? आदमी के बारे में मेरा दिमाग कम चलता है, औरतों के बारे में पूछ मैं सब कुछ बताता हूँ। बहुत बोल रहा था, बोलती बंद हो गई। बोल क्या बोलना चाह रहा? अबे तेरी बहन से पूछ, वो बताएगी। क्या बात कर रहे हो? उससे मार गोली उसको। क्योंकि अब पुलिस आई। तेरे को कैसे मालूम? अरे सबको मालूम है भाई, पुलिस जो है ना हमेशा एंड में आती। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? अरे जब पुलिस आएगी तो तुझे पकड़ के ले जाएगी। मुझे नहीं रे बेखूफ, तुझे। मुझे कैसे? मैं तो तब तक भाग जाऊंगा ना। ये देख, रिसीवर रखा, गोली चली। सानिया तुम्हें मालूम है मुंबई फैशन वीक में हिस्सा लेने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट को परमिशन मिल गई है। तो तुम कौन सा कलेक्शन दिखाओगी? सानिया तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात का? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुमने सुना नहीं? क्या कह रही थी तुम? कहाँ खो गई? किसे ढूंढ रही हो? हाँ किसी को नहीं। हाय हाय। अच्छा तो अब मैं समझी तुम कहाँ खो गई थी। चुप कर, बैठो ना जू, खड़े क्यों हो? थैंक्स। चल हम चलते हैं। ठीक है चलना, रुक क्यों गई? हम क्यों जाएं? जिसे जाना है वो जाए, छोड़ के जाने की आदत क्या हमें है?
कब तक नाराज रहोगी? माफ नहीं करोगी? माफ कर दो ना सानिया, प्लीज। माफी क्या इतनी आसानी से मिलती है? अच्छा तो जो चाहे सो सजा दो, उफ भी नहीं करूंगा। छोड़कर क्यों गए थे? अब बार बार याद दिला के शर्मिंदा ना को करो, माफ कर दो ना। नहीं प्लीज, बिल्कुल नहीं। माफ कर दो सानिया। नहीं शन्नो। नहीं प्लीज सानिया, प्लीज 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 माफ कर दो। करना जर्रा इसे पकड़ो। इसमें तो करंट होती, शक मारती है। वही तो देखना जा रहा था, फेस कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। तुम हम प्यास मती, हम तुमका भी मदद चिकाती। कोई है? कोई नहीं है। कोई नहीं? अरे कोई है। अरे इकबाल तुम, बात क्या है? अज्जू भाई मैं बर्बाद हो गया। अज्जू भाई क्या हुआ? एरो मैं बर्बाद हो गया अज्जू भाई, आपको तो मालूम है। मैं बहुत दिनों से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। 15 दिन पहले एक एजेंट को पैसे ले जाके दिया अज्जू भाई, लेकिन वो पैसे लेके भाग गया अज्जू भाई। पागल हो गए रे साले हम लोग। क्या समझते बाहर जाके पैसा कमाना इतना आसान है? हर कोई इसी कोशिश में लगा है। क्या हम अपने मुल्क में पैसा नहीं कमा सकते? सब कुछ तो है ना रे यहाँ पे। यहाँ माँ बाप बीवी बच्चों के साथ रहकर उनका प्यार पाते हुए कमा सकते। बाहर क्या रे लावारिस की जिंदगी। अज्जू भाई आपको तो मालूम है, बाबा के इंतकाल के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। बहन की शादी के पैसे ले जाके एजेंट को दिया अज्जू भाई, क्या करूं अज्जू भाई। सही बोला रे तू, यहाँ पे हम लोगों को मेहनत करने हाथ नहीं होता, खाली टाइम पास करते रहे चबूतरों पे बैठ के। रातों में जगते, दिन में 12-12 बजे तक सोते, बाहर से आंसू वालों को देख के बाहर जाने के खाबा देखते, ठोकर खा के सुधरते रहे। अरे कम से कम ठोकर खाए वालों को देख के तो समझ जाना, समझा? जी हाँ अज्जू भाई, मैं समझ गया अज्जू भाई, मगर किसी तरह से मुझे बर्बाद होने से बचा लीजिए अज्जू भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा रुक, मैं कुछ करता हूँ। बस वो बुलबुल की ज्वेलरी के लिए पैसे। बुलबुल का ज्वेलरी? हाँ ज्वेलरी। उल्लू बनाती? उल्लू हाँ बनती बनती। ज्वेलरी का पैसा? अच्छी ज्वेलरी। हाँ अच्छी। ये ले बहन की शादी कर। बड़ी मेहरबानी भाई, जल्दी बनाती बनाती बनाती। बिल्कुल का ज्वेलरी। तू तो गया काम से। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ठाकरे से पंगा मोल लेता है तू? ये तो स्पॉट पे ही डिसीजन लेते हैं, अदालत के चक्कर में नहीं पड़ते। सिर्फ 10 तक गिनेंगे, गन फेंक कर बाहर आ जा वरना जिस्म छलनी छलनी कर देंगे। गिनो। हाँ सर गिनो। 1 2 3 ए भाई मुझे बचा ले यार, अब तो कितनी भी शुरू हो गई। गोली चली। 9 10 फिनिश। अब कुछ नहीं हो सकता, आ गया तेरा आखिरी वक्त, क्योंकि इसके आगे इनको गिनती नहीं आती। सॉरी सर। चल याद कर ले ऊपर वाले को। ऊपर वाला बोले तो मेरे को बोल रहा है। अरे बकवास बंद कर दे गधे। क्या बोला रहा तू? यही साहब, आपको नहीं बोला साहब, इनको नहीं बोला मैं साहब, इनको नहीं बोला। तो किसको बोला रहे फिर? क्या मेरे को बोला? अरे तुझे ही तो बोल रहा हूँ गधे के बच्चे। अबे तू होश में तो है? तुझे मालूम है तू किससे बात कर रहा है? मालूम है मालूम है। बताओ मैं कौन हूँ? मैं कौन? लुच्चा लफंगा गधे का बच्चा। ये सब इन्हें बोल रहा है, शूट कर देंगे तुझे। शूट करो? मैं शूट करूँ? आता तेरे को शूट करने। शूट करेगा? कर कर मार मार गोली। इधर मारेगा, इधर मारेगा, इधर मारेगा। सर मुझे लगता है ये कोई पागल है। सर मैं पागल नहीं, सर मैं पागल नहीं। मुझे भी यकीन है। मुझे भी लगता है तू पागल है। अबे तू क्या यकीन करेगा बे, मैं तो पागल ही हूँ, देखेगा मेरा पागलपन। हाँ पागल। मैं ये सब आपसे नहीं कह रहा साहब। तो किससे कर रहा? एक अजनबी से। ये सब ना मुझसे वही करवा रहा है साहब। तेरी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा, तू फंस गया रे अब। ए भाई, ए मेरे भाई, ए मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे मेरे भाई। आइंदा से लोगों को परेशान करेगा रे। नहीं नहीं नहीं। मांग पुलिस से माफी। अच्छा एक मिनट एक मिनट, ये देखिए ये मैं यहाँ रख देता हूँ। सबको रॉन्ग कॉल्स करके मैं ही परेशान करता था।
चार मीनार है ना, चार मीनार पर झूठी बम की खबर भी मैंने आपको दी थी। मेरे बाप की तौबा, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो मेरे भाई? बेगम, ओ बेगम, सुनी नहीं आ रहा क्या? आई आ रही हूँ जी। काय को तू भी चिल्ला रही है ऐसा? इतनी देर से पुकार रहा हूँ, क्या तू भी कर रहे वहाँ? मेकअप कर ले रही हूँ जी, नहीं कर लेना क्या? ओ हो, मेकअप कर रहे हैं, करो करो। गिरती सो दीवार कुछ लीपना थोपना पड़ता है। गिरती सो दीवार लीपे थोपे तो गिरती सो दीवार तो भी चलती, लेकिन ये कीड़ खाए सो नाट नहीं चलती ना। ये लीपले थोपले को कहाँ तो भी जा रहे? खबरिस्तान आते हैं। हाय 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 बिपाशा, क्या खुश खबरी सुनाए तुम? इसके वास्ते तो कब से तड़प रहा मैं, जरूर आता हूँ 40 कदम छोड़ने। 40 कदम छोड़ने? कौन किसको छोड़ने जाता कि देखेंगे? अच्छी बात है, देखेंगे ना। आंटी, हेलो आंटी, ये क्या उजाड़ मसाले उठा के लेके आ रहे? मैं तेरे को आर आर मसाले के पैकेट लेके आ बोली ना? नहीं आंटी, दुकान वाला यही दिया। ले जाके उसके मुंह पे मारे ले, ये दे दे के आर आर मसाले का पैकेट ला जा। जी अच्छा। जिया बेखरार है, आई बहार है, अजा मोरे बाल मोहल आप भी क्या सूट बनवाया एटीएम से तूने? अरे फिर से चेक पीछे पड़ा जी। जय बॉस, चलो को जय चेक करो। अरे देखो ये बंदा क्या कर रहे हो? बॉस चेक को पकड़ो जी, बॉस पकड़ो जी, ये क्या कर रहे हो? जिनको अरे 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 पकड़ो जी, पकड़ रहे हैं, पकड़ अरे लेके जय। बॉस चेक करो। अरे ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। आइए आइए, आप आइए मेरे साथ। सुनिए तो डॉक्टर साहब, चलिए चलिए जल्दी जल्दी, ये पकड़िए, ये बैग पकड़िए आप। अरे सुनिए, अरे चुप करिए, आपको कुछ मालूम नहीं है। होनोलुलू एक बहुत खतरनाक वायरस है। अच्छा किया आप लोगों ने मुझे बुला लिया। होनोलुलू का इलाज मेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता। सुनिए तो डॉक्टर साहब, प्लीज आप खामोश रहिए, मैं चेकअप कर रहा हूँ ना, इनके अभी बहुत सारे चेकअप कराने होंगे। डॉक्टर साहब आप मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी बात सुनिए, मामला बहुत सीरियस है, अगर देर हो गई तो पागल भी हो सकते हैं। हम पागल नहीं होती, पागल नहीं होती, हर पागल यही कहता है। अरे डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें आप चुप करिए, डॉक्टर आप हैं या मैं हूँ? पहले इनको आईसीयू में रखकर इनकी एंजियोग्राफी, पोर्नोग्राफी और जियोग्राफी करनी होगी। आज मैं इनका पोस्टमार्टम कर दूंगा। अरे मेरा मतलब है होनोलुलू का पोस्टमार्टम करके रहूंगा। आप आओ इधर। अरे चुप बैठो डॉक्टर, आपको इलाज करने नहीं बुलाया। इलाज करने को नहीं लाया? नहीं। फिर बुलाया काय को? ये टाई भरने को बुलाया, लो पकड़ो।
क्या मियां तुम्हारे को नाड़े टाए बनने वाला दिख रहा हूँ? हाँ जी, हमको नहीं आता बोल के तुम्हारे को बुलाया और तुम आते ही धंधे पे लग गए। ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, पूरे डॉक्टर का यही हाल है। चलो बांधो। हम असलम भाई की शादी में जाती, हमारा शादी कब कराती? कराते ना शेख, बहुत जल्द कराते। अब भाई देखो, जैसीनू कहाँ थी जी तुम्हें, हमें कब से चपले को बैठी ना जी। अरे क्या करूं यार, वो निकल रहा था, मिनिस्टर घर पे आ गया, अब बड़ा आदमी है भाई, थोड़ा टाइम दे दिया उसको। अच्छा बातों में वक्त जाया मत कीजिए, तशरीफ रखिए, पहले ही बहुत तखीर हो चुकी है। चलो यार, इतना लेट करते यार, टाई भरने डॉक्टर को बुलाना पड़ा। बल्ला इधर रखती। कहीं कुछ है किस्मान? बोल बोल। तो बोलो ना जी। ले मैफी, इधर कैसे बोलती? तो कहाँ बोलेंगे जनाब? नहीं तो मेरे कान में बोल से करना। लाहौल विलाक को था। ले मैफी, इधर कैसे बोलती? तो क्या चार मीनार पे चढ़ के बोलता बाप? उधर कैसे बोलती? कहाँ बोलते से करना, ना कान में बोल रहे ना चार मीनार पे चढ़ के बोल रहे, क्या तो भी बोलना चाहते करना। वो बोलती। अच्छा इसको बोल बोलते? अरे तो खुल के बोल बाप, इसको तो हम जाजी मैं बोलते भी छोड़ते भी। अरे नसीम जरा बाजुक ले, बॉस बोलता कते। ये लीजिए। आइए बॉस। अच्छा भैया किधर रहती? क्या बोल रहा भाई? अबे भैया मतलब पानी मांग रहा। बॉस माफी मुया। माफी मुया? टिश्यू पेपर होती? यार लिखा बड़ी करने जा रहा है। तू नहीं समझेगा। चलो बॉस लेटेस्ट देता हूँ। क्या है कि लो, बोल को भी आओ देख को भी आओ। जैसीनू यजमान, शेख तुम्हारे कान में बोलता तो मजा आता, एक कान में बोलता और एक कान से निकल जाता। मेरे को क्या मालूम अरवी में इसको बोल बोलते सो। पहला यहाँ रुकती, इधर कोई नहीं दिखती। जनाबे आली, यूं सड़कों पर बोलना आपके शायन शान नहीं है। बोलना ही है तो सलीके से बोलिए। फंक्शन हॉल करीब ही है, वहाँ पहुँचकर इत्मीनान से फारिग हो जाएगा। तेरे डायलॉग समझे तक ये दूसरी बार तैयार हो जाता। बॉस दो मिनट रुक लो, दस मिनट में शादी खाना आता, वहाँ जाके बोल लो। नहीं नहीं रुक सकती, मैं भी बोलती। की बा तुम्हें करती है कि नहीं करती की? आ रही जा रही, आ रही जा रही, तुम ना देख के मंजे निकल जाती सो। देखना काय को नहीं जा रहे। हाँ ठीक है मैं पहुंचता हूँ जी। जी चलो जी। पुलिस वालों से दो अच्छों अच्छों की छूट जाती, इसकी क्या बाप बंद हो गई? इसकी तो बोलती है ना बाप, इसलिए बंद हो गई। चलो जी यजमान। कौन है यारो? शुक्रिया मैं बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शादी मुबारक हो मियां। मजर लाल गाड़ी में हमारे बहन भाई आए, दो उनका जरा ख्याल करो नहीं तो छिड़ जाएंगे। अच्छा भैया भैयान। वालेकुम अस्सलाम भैयान, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जमीर भैयान क्या से ठंडा ला? नहीं पीती, हम पहले बोलती। भाईजान पीने के बाद जितना बोलना है बोले, आप हमारे भाईजान के भाईजान है। हम नहीं पीती। सॉरी मुबारक हो अस्सलाम भाई। शुक्रिया सीनो, मुबारक हो अस्सलाम भाई। अरे पियो भाईजान पियो। अरे चलो भाईजान, एक दो हाथ हो जाए। नहीं नहीं हम नहीं नाचती, हम पहले बोलती। चलो भैया नाचते नाचते बोल सकते। चलो नाचते नाचते।
तौबा तौबा, नाश्ते नाश्ते कैसे बोलती? नहीं बोलती, हम बैठ के बोलती। हौला है क्या बोलने के वास्ते बैठना काहे को? हम लोग तो लेटे लेटे भी बोलते। चलो भाईजान चलो। रुको जी। अरे क्या हुआ, कौन है नो? ये हमारे भाईजान के भाईजान है। भाईजान के भाईजान? ओ हो 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 हो, अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अरे अरे भाईजान तो कुछ परेशान लग रहे मियां, जाके जरा एक ठंडा ला। ठंडा नहीं पीती, नहीं पीती, हम पहले बोलती फिर पीती। पीने के बाद जितना बोलना है बोलिए, हम देखते रहेंगे। हम बोलती तो तुम देखती। माफी क्विज हजा गलत गलत। यो भाई ये लो, आ गया ठंडा। ठंडा नहीं पीती। लो, पी लो। ठंडा नहीं पीती। पी लो, पी लो, पी लो भैया, थोड़ा पी लो, 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 थोड़ा थोड़ा पी लो, पी लो, पी लो, हाँ पी लो, पी लो भैया, पी लो, पी लो, पी लो। अरे 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 अरे, रुकिए तो, रुकिए तो, कहाँ जा रहा है? क्या हुआ, क्या हुआ मियाँ? मामू पहचाने इनको? नहीं पहचाना, कौन है नु? नौशा किए बौने कते। अच्छा, बाहर से आई नो? बाहर से आए? हाओ आधा बर्थ, आधा बर्थ, आधा बर्थ। वालेकुम सलाम, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। ये लीजिए थोड़ा ठंडा पीजिए। ठंडा नहीं पीजिए, नहीं आपको पीजिए, 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 पीना तो पड़ेगा ही, थोड़ा सा पीजिए। ठंडा लीजिए ना, पीजिए। ठंडा नहीं, ये हुई ना बात। अजी आप तो दामाद हैं यहाँ के। अब हम बोलती, हम बोलती, बतुल खाला की जरूरत थी। बतुल खाला जनाने में है, बुलाऊं क्या उनको? जामिया बुला के ला। अभी आया। जल्दी बुला के ला, बोलते कते इनू। अरे जरा रुकिए जनाब, आप वापस जा रही रह रही। अब मैं सुना आपके मुल्क में कांच की सड़क, कांच के घर, कपड़े बदलने में तकलीफ होती होंगी ना? ये लो आए बतुल खाला। अब बोलो क्या बोलना, इनके सामने बोलू? बिल्ले तुम पागल होती, इनके सामने हम कैसे बोलती? अब जैसा बोल रहे हैं वैसे ही बोलो। अरे क्या बोलना बताना कर रहे जी तुम, घर के दामादा से मजाक नहीं करते। ला रहे ठंडा? नहीं ठंडा नहीं पीती, ठंडा नहीं पीती, ठंडा नहीं पीती, ठंडा नहीं पीती। बतुल खाला, मैच रे बतुल खाला, आज तेरे को पिला के छोड़ूंगी, खांसी भी धराओ। पिला उसको, पिलाओ। ठंडा नहीं, ठंडा नहीं। कौन है जीनू? अरे पित्तल के हत्ती, घर के दामाद है इनू। ओहो दामाद, घर के दामाद, अब तो इनसे गले मिलना ही पड़ेगा। अरे ऑटो से उतरते निकल लिए थे, इन्हें तो पहलवान पे छोड़ दिया। क्या रे? क्या भाई? शेख का रिश्ता भेजा तू सुल्तान भाई के घर को? सुल्तान भाई को देखिए, नहीं वो क्या है कि क्या भाई, कुछ है क्या? डाला रहा है इनके पास है भाई साहब। हेलो, हाँ सुल्तान भाई। अरे चुप है, नहीं भाई आपसे कैसे बोल सकता हूँ मैं? क्या होना तेरे को? देता मैं लेटा भाई, मेरे से गलती हो गई। क्या हुआ रे भाई? वो अज्जू मेरे हाथ से निकल गया। निकल गया? तेरे को मालूम है ना अंजाम? मेरे को अज्जू चाहिए, वो भी जिंदा, नहीं तो तेरी खबर बनाता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। क्या यारो, शेख को सबक सिखाने के लिए सुल्तान से भिड़ाए तो मेरे पीछे पड़ गया।
बुरी तरह फंस गया था आज, किस्मत थी बचा समझो। क्या करेंगे यारो? माँ यार तुम तो चलते फिरते मुहावरे बन गए हो, आसमान से गिरे खजूर में अटके। नसीम भाई सुल्तान बहुत डेंजर आदमी है। जय मुझे फर्स्ट टच मालूम जैसा होता सो उससे बाहर नहीं जा रही हूँ। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं देखे इसको? पहचानता इसको? नहीं नहीं। ए, इसको कहीं देखा क्या? कौन है ये? नहीं नहीं जानता। ये किधर था मालूम क्या? नहीं मालूम भाई। सलाम शकू भाई, क्या बात है? सब खैर यार? शकू भाई पुराने मोहल्ले में बहुत दिन के बाद। शकू भाई बहुत दिन से अपन लोग बैठे भी नहीं है, आज शाम को प्रोग्राम बनाया? नहीं रे, क्या है ना आजकल अपन थोड़ा बिजी है। अच्छा ये बता हा? इसको पहचानता तू? हाँ वो अच्छी तरह पहचानता इसको मैं, ये अपना अज्जू है। किधर रहता है इन्हें? ये बोले तो सीनू के साथ रहता। सीनू किधर रहता? सीनू पाशा के साथ रहता। पाशा किधर रहता? पाशा नसीम के साथ रहता। ये नसीम किधर रहता? नसीम इसके साथ रहता। ये कहाँ रहता? ये पाशा के घर में। घर कहाँ है रे? अभी घर मेरे को नहीं मालूम। जब से लौंड बना कर रहा मेरे साथ मेरे को हौला समझा रे? नहीं है ना, मेरे को नहीं मालूम इन्हें कहाँ रहते, खाली पाशा के बारे में मालूम उन्हें एम कॉलोनी में रहते। क्या शक्कू भाई तुम्हें भेजा ही ला दिया मेरा। हाँ पहुँच जाएगा सामान आपका, हाँ आधे घंटे में। इसको कहीं देखा क्या? शक्कू इधर क्या कर रहा है? आपको क्या काम है? बिल्कुल से मिलने जाती हम इसको देखती उसे बाती करती बाती करती बाती बाती करती। चलो 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 निकलो यहाँ से। क्या हुआ रे, बात क्या है? शक्कू अपने गुंडों को लेकर यहाँ तक पहुँच गया है, अगर देरी की तो फरार होने के सारे रास्ते मजदूर होकर रह जाएंगे। क्या होकर रह जाएंगे? ए चुप, तो वो यहाँ तक पहुँच गया? क्या होती क्या होती, पुलिस आती क्या? पुलिस से भी खतरनाक जनाबे मोहतरम। तुम क्या कहती है हमारी समझ में कुछ नहीं आती। पहले इधर से निकलो शेख, रास्ते में सब समझाते हो। हाँ ये इधर ही रहता है ना? हाँ भाई यही बिल्डिंग में रहता है। जयजू भाई उन आगे ना घर तक, हम ना लोगों को निकालने का क्या अभी रास्ता नहीं है, हमें सफल गए तो सुरता काले हो जाते। सो अम्मा साई ये अम्मा अम्मा किसको बोल रहा रे? क्या मैं तेरे को अम्मा लग रही हूँ? बेटी साई कौन तो भी है रे होले तू, अम्मा बेटी के रिश्ते जोड़ लेते घूम रहा, कौन तो भी है रे तुम लोग, क्या तो भी खिस्सा है रे यारे। शराफत से बात कर रहा तो बहुत लाड़ा कर रही तू। बता अभी इधर रहता है इन्हें? इधर गया ये? अम्मा जी नहीं थी। अच्छा उधर उधर। अच्छा उधर। अरे भागो रे, मुझे भुट्टे में मिला दिया। ये लोग ताला लगा के बेवकूफ बना रहे अपन को। अरे पकड़ उसको, पीले शर्ट वाला आदमी, बच के नहीं जाना चाहिए। यही रहते हैं ये लोग। तुम क्या करती, मुंह काला करके क्यों भगाती? अरे कालिख का क्या करें यारो? जय मंजा फर्स्ट टच मालूम जैसा होता सो
उससे साबुन मलने को आई हूँ। अरे पट्टू, तूने पस्ती अच्छा काम किया रे। दे दे दे, मुझे दे चल चल। किधर गया रे? अज्जू के बच्चे घुटने पे चल के मेरे को धोखा दे रहा है। माँ पे नहीं तेरे को। अल्लाह, हमारे मुल्क का आदमी इधर। सलाम अलैकुम। कुछ भी करती यार, हम कुछ मुसीबत से निकालती। ये लोग हमको इधर शादी बनाने को लाती पर नहीं बनाती। बनाती तो क्या बनाती? हमको पागल बनाती, हमको पागल से पिटवाती, हमारा मुंह काला कराती, बुर्का पहना के औरत बनाती, कुत्ता बरकत में बिताती, हमारे पीछे पुलिस लगाती, गली गली घुमाती, हमको बुलबुल दिखाती पर शादी नहीं कराती। अब हम शादी नहीं करती, उल्लू नहीं बनती, हम अपना मुल्क जाना चाहती, हम अपना पासपोर्ट गवाती, मुल्क कैसे जाती? तुम हमारा मदद करती, अपने साथ मिल्क लेके जाती, हम तौबा करती, दोबारा कभी हैदराबाद में नहीं आती और ना किसी को आने देती। तुम जवाब क्यों नहीं देती? बताती क्यों नहीं? ये मंटा उड़ा पागल एंटा वक्रू भाई हिस्सा हिस्सा देती दिल्गो। ये क्या दे? ये क्या? ये सब उठा के रख दो उधर। हाँ भाई, पैकअप हो गया, चलो चेंज कर लो आप लोग। ये तो शूटिंग का आदमी होती, हमारा नहीं होती। तेरी माँ का कमीना मारू? कुत्ता कहेगा? अरे कमीना क्या हो रहा है? तेरी माँ का कमीना, एक हफ्ते से कहाँ है रे तू? हराम के घर का खाके मामू के बकरियाँ चराता रे? दूंगा एक लगा के। आठ दिन से बंडी में नहीं बैठा, क्या करके खाता रे? अब आता ना घर को, आ आ मैं देखूंगा तेरे काम क्यों कहेगा। कौन था बाप सीनू? वापिस था यारो। बाप था? देख नहीं रहे, मर्सिडीज लेके जा रहे। क्या जी जय, इनके डैड की मर्सिडीज ऐसी है तो इनकी मॉम की इनोवा कैसी होती? सो पर मियां, वो जो तुम अच्छी अच्छी गाड़ियों में आते थे उसका क्या? शमा टाकिस तक जाना है साहब। आ जा रहा हूँ। आप मेरे को लिफ्ट देंगे क्या? आ जाओ। थैंक यू सर। और वो शमशाबाद वाली जमीन? वो जमीन होती तो ये दिन देखने को मिलते क्या? अरे मियां, दुनिया में हर महरूम आदमी ऐसे ही ख्वाब देखता है। सीनू ने भी देखा तो क्या बुरा किया? मगर सीनू, तू डर मत यार, इन ख्वाबों को सजाए रखना, ऊपर वाला एक न एक दिन इन ख्वाबों को जरूर पूरा करेगा। की बात नसीम अहमद, खाबा खाले की दुनिया से बाहर आओ जी, शेख कहाँ भी दिख रहा नहीं। अरे शेख कहाँ तो भी गया नहीं। बॉस। अरे क्या बॉस, क्या कर रहे इधर? चलो हम तुम्हारे साथ नहीं आती, बैगन में बैठ के जाती। हाँ चलो, हमको चढ़ती, हम बैगन में मिलना चाहती। अरे हौ रे बाबा, मैं तेरे को बैगन में ही मिलाने को लाया रे, तू चल तो सही। चलो उधर चल। तुम एक काम करना जी, सीधा जाना, अच्छा टिब्बा छल को ढल जाना, गू के हाथ को मुड़ जाना। ढल जाना, गू के हाथ को मुड़ जाना। इधर गए रे। अरे उधर नहीं रहे, देख उधर, देख सामने भाग रहे हैं वो लोग। चार मीनार, चार मीनार, चार मीनार, चार मीनार, चार मीनार, चार मीनार, बोले चार मीनार। बहुत पीछे पड़ी है, तेरे को धंधे के लगे। चल चल नहीं तुम जाती नहीं ना जी। क्या चार मीनार, चार मीनार, ये कोई धंधे का वक्त है? क्या हो रे? उधर लाइसेंस हाजिर, पुलिस से निकाल। अरे अरे साहब, अरे छोड़ दो साहब, ये तो अरे सुनिए तो सही। अरे गरीब को सारे को सता रहे साहब। ये वो नहीं पता साहब, गरीब नहीं रहे। नहीं साहब, वो क्या आया कैसा?
मां बदौलत तुम पे लगाए गए इल्जाम वापस ले सकते हैं अगर तुम अनारकली को भूल जाओ। अनारकली हमारी सांसों में बसी है सलीम, वो तुम्हारे लायक नहीं है। क्यों नहीं? अपने आप को सिर्फ बाप और मुझे अपना बेटा समझिए फिर बताइए। हम बाप जरूर हैं। नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, इस गुस्ताखी में तुम्हें तख्त ताज से महरूम किया जाता है। हमें मंजूर है तो हम ऐलाने बगावत करते हैं। शेखू बीरबल, ये तुमने कैसा मशवरा दे दिया? सलीम तो बगावत में आमादा हो गया है। महाबली, जान की अमान पाओ तो कुछ अर्ज करूं? इजाजत है। अरे पीछे सूर की सुसूर लगी, एक मिनट आ रहा हूं। क्या रे भाई, ये चौरण भूमि से जी हां ऐलान हो। इसको देखा है? नहीं। बराबर देख के बोल। अरे हटना। अबे तू खड़ा क्यों है? स्टेज पे जाना तीन जी बे शेखू, मां बदौलत तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं। हम तुम्हारे बाप हैं, दुश्मन नहीं, लेकिन एक अदना कनीज इस अजीम शान मुल्क के शहजादे के शाया निशान नहीं है। अरे भाई कपड़े थे। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए 1000 कनीज बदतमीज कपड़े लेके मेरे बुलाता हूँ। चेखू मेरे बच्चे, रिश्ते नातों की बातें भरे दरबार में नहीं खिलवत में की जाती हैं। चलो दीवान खाने में चलते हैं। हो चलो 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 यहाँ से चलो। नहीं नहीं, जो बोलना है यही तो बोलो अकबर चचा। मैं क्या दीवाना हूँ दीवान खाने में जाने को? ओहो दीवान खाने में न सही, पैखाने में चलते हैं। आओ मैं जाको आया, तुम ही जाओ। चलो तो सही, वहाँ एक मैखाना भी है। आओ चचा चचा छोड़ो चचा, मुझे नहीं जाना। मां बदौलत तखलिए में जा रहे हैं। एक मिनट, कौन है तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम। कौन सा नाटक? अनारकली। अनारकली तेरी माँ की किरकिरी। आइए तो सही, बहुत जरूरी बात है। ले जा रहे नहीं जाती, नहीं जाती, हम नहीं जाती। चाहिए चाहिए, जान बचेगी और अनारकली का डांस देखने का मौका मिलेगा। अनारकली नाचती? हाँ, हम जाती, हम जाती। होशियार, खबरदार, दिल्ले सुभानी, चिकन मटन बिरयानी, हलवाए खुबानी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा अफरोज होते हैं। तख्ते ताऊस आपकी हुर्मत का मुंतजिर है, तशरीफ रखिए। ऊपर रखिए इसको। जनाब बलबीर साहब तशरीफ। बलबीर साहब नहीं, बीरबल साहब। बीरबल अंकल बैठो बैठो। बस बोल बोल बोल, हम आती बोल के आती। जनाब नीचे से नहीं ऊपर से बोलिए। ऊपर से कैसे बोलती? हम तो नीचे से बोलती। डायलॉग डायलॉग दरबार की कार्रवाई शुरू करती, अनारकली को पेश करती। अनारकली को कैद खाने के अंधेरों से निकालकर दरबार अकबरी में हाजिर किया जाए। दादा जरा जल्दी करो। ऐलान करने तो चौकदार का काम होती, तू तो तानसेन होती ना। महाबली का इकबाल बुलंद रहे। चौकदार तनख्वाह कम होने के बाईस मुलाजिमत छोड़कर चार मीनार के पास लजीज जायकेदार समोसे बेच रहा है, लिहाजा ये फर्ज भी हकीर पुर तकदीर को ही अंजाम देने पर मामूर किया गया है। ओके ओके, अनारकली को हाजिर किया जाए। माँ की किरकिरी, वो मेरी कॉस्ट्यूम ले गया। किरकिरी? अबे वो वहाँ किरकिरी कर रहा है। शिट।
तू कौन है बे? तूने आज भर का चार्ज कब लिया? तुम बहुत खूबसूरत होती, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जमीला जमीला। देख ब्रजमान, अनारकली बोले तो अनारकली लाए, अब जमीला पूछा तो कहाँ से लाना सो? नहीं नहीं, जमीला मतलब बहुत खूबसूरत होती। दिल इलाही, आप अपनी होने वाली बहू पर इस तरह डोरे नहीं डाल सकते। फिर कितना डालती? दिल इलाही। डांसिंग तुम गाने गाती, अनारकली तुम नाचती, हम देखती। मैं नहीं नाचूंगी। जय अनारकली अजमन, तुम चुपके खड़ो जी। डांसिंग के आगे बजाने वाला बाजा पेश किया जाए। उसकी तामील हो। ये तोप लेके क्यों आती? इसका मुंह उधर करती, उधर उधर उधर। से गन्ना, ओ सॉरी, जिले लाही ये तोप नहीं तानपुरा है। तानपुरा? ये तो पूरे का पूरा है। इसका क्या करती? इसे लेके बजाती। लेके बजाती या लेट के बजाती? इसका इल्म तो मुझे भी नहीं है। झापना, वो जो शाहरुख खान डीडीएलजे में बजाता ना, छोटा सा टुनटुना। ये लाइट ऑफ करके काहे को रखते हैं लोग? लाइट ऑफ जाती। अरे तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? ये सब स्क्रिप्ट में नहीं है। अंधेरे में कौन किसकी मारती पता ही नहीं चलती। अरे महाबली ये क्या गंदरगोल है भाई जी? जिले लाही ऐलान होती, ऐलान होती। नाम मुल्ज़िम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुम पर ये चार्जशीट लगाई जाती है। तुमने महल के एक अदना कनीज की खातिर अपने खानदान की बेदाग ड्रेस पर बदनामी का पट्टा लगाया और अनारकली को फरार कराया। मैंने कहा फरार कराया बाप, मैं तो खुद ही फरार हो गया था। क्या हो कराया था तो? तो देखो सलीम, ये क्या हो रहा है? तुम लोग क्या बोले जा रहे हो? कामोश गुस्ताक लौंदी, बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करती, हम डायलॉग भूल जाती। सलीम, अगर तुम प्यार के चक्कर में पड़कर दीवानी बनती तो हम तुमको तख्तो ताज से हमेशा हमेशा के लिए महरूम कर देती। नहीं जापना, महरूम महरूम। थैंक यू, यही कर देती, यही कर दो। ये पुराने तख्तो ताजा लेके क्या करूं? ये सब जुमेरात बाजार के आइटम है, औने पौने दामों में बिक रहे। एक ताज खरीदो तो दो दो तख्ता फ्री दे रहे। ये कुकी माँ, तुमको शर्म नहीं आती? बड़ी दरबार में मैक्सी पहन के आती। अरे ये मेरी मैक्सी है, मेरी मैक्सी। जय अनारकली अजमन, तुमको बोला ना जी, तुम्हें चुपके खड़ो जी। महाबली का एक एक बाल बुलंद रहे। अम्मा यार, एक एक बाल नहीं, इकबाल बोलिए, इकबाल। हाँ जो भी है, महाबली का सब बुलंद रहे। शुक्रिया शुक्रिया। महाबली, मैं सेगू की अम्मी नहीं, संतराश हूँ। संतराश? मगर हमको तो पत्थर नहीं पुरवानी होती। अरे मैं पत्थर पुरने नहीं आया जी, मैं तो अनारकली से शादी बनाने आया। अबे ओ आसारे खदीमा, पुराने किले के गिरते खंडर, तू अनारकली के खावा देख रहा। छोड़ो, पहली तो आदमी लाइन में होती, इनका फैसला नहीं होती, तुम बीच में किधर से टपकती? तुम्हें तो जी वो ऑफर दिए सो। फिल्म खत्म होने से पहले शादी क्यों नहीं बनाती? फिल्म खत्म, ऑफर खत्म, कल्ला। तो फिर मेरा क्या होगा? जहाँ बना हम तुमको अपने इलाके में पत्थर फोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट देती, अभी तुम जाती। तू कौन है? मैं गब्बर हूँ। गब्बर? मैं गब्बर। तुम हमको ऐसे क्यों देखती? तुमको शर्म नहीं आती पुरानी कब्र से निकलकर भटकते हुए मुर्दे से मेरी शादी कराते हुए? दरोगे जिंदन, इस गुस्ताख लौंडी को ले जाती और कैद खाने के डार्क रूम में डाल देती। जय साहिब आलम, मुझे जल्दी लाई के आंखों में शोले दिख रहे जी। कितने आदमी थे सरदार? तू थी तू? और तुम कितने थे?
तीन होती, तीन। जहाँ पना, ये मुदाखलत बंद कीजिए, आप शहंशाह हैं, कोई डाकू की चेले नहीं। इस गद्दार गब्बर सिंह की हिम्मत कैसी होती, ये मुगले आजम में चोरी रिमिक्स करती। गोबर सिंह नहीं, गब्बर सिंह। ओके ओके। अरे तुम तो गब्बर हो, तुम्हें तो नेक्स्ट शो में आना था ना। ए गोबर सिंह, तुम इसको हाथ नहीं लगाती, तुम इसको हाथ लगाती तो हम तुम्हारी शादी बसंती की मौसी से कराती। कितनी गोलियां हैं इसमें, बोल बोल। कैसे बोलती, हमको हैंडपंप समझती, जब कहती बोल 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 हम नहीं बोलती। मामला बिगड़ता जा रहा, चल भाव साइड से निकल लेते। अबे रुक, कहाँ खिसक रहा रे गब्बर भाई, मैं तो आपका नमक नहीं खाया, फिर गोली का इसको खाऊं। तेरी तो यहाँ सन्नाटा क्यों नहीं है भाई, मुझे तो सन्नाटे का डायलॉग बोलना है। ओहो अंकल तुम भी आ गए, यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, अभी तो पहला शो भी खत्म नहीं हुआ है। कौन बसंती, मैं तो गब्बर का डायलॉग सुन करके आया था। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। यार मेरे कपड़े, ये कपड़े तो जैसे कि तुम्हारी बस क्या रहती, फिर भी तुम कहती तो उतार दिए। सन्नाटे का डायलॉग बोल रहा है ना, मेरे को कपड़े लेने। अरे भाई इतने शोर शराबे में मैं अपना सन्नाटे का डायलॉग कैसे बोलूंगा। अरे भाई, अरे भाई क्या कपड़ा है, तो मैं अपना सन्नाटे का डायलॉग बोले बगैर जा रहा हूं। सुन लो, ये कह रहे हैं डायरेक्टर है। को मैं डायरेक्टर हूँ। अरे कोई सुनता क्यों नहीं, ए भाई। ओ, बहुत हो गया, अब मैं इस सन्नाटे का डायलॉग बोले बगैर ही जा रहा हूँ। बहुत दौड़ा लिया तूने, आज तेरा किस्सा ही खत्म करता हूँ। किस्सा तो मैं खत्म करूंगा। क्या ये एंट्री वाली असलम भाई, ये सब क्या हो रहा है। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई। क्या चिच्चा, अभी तक ड्रामे में ही तुम्हें सच्ची की पुलिस आ गई। अच्छा तो फिर मुझे कोई मस्जिद तक छोड़ा भाई। क्यों शेख। सलाम अलैकुम। आपका पासपोर्ट कहाँ है जनाब, भागदौड़ में कहीं गुम हो गया है। गुम हो गया है तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवानी चाहिए ना। आपका पासपोर्ट संभालिए। पासपोर्ट, शुक्रिया शुक्रिया। और सुल्तान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आपको तो मालूम ही है शेखों की शादियों को लेके कितने हंगामे हो रहे हैं, और ये सब मुशाता और दलालों की हरामी का नतीजा है, और इन दलालों ने चंद पैसों के लिए हैदराबाद को बदनाम कर रहे हैं। या जो भी शेख का दलाल बनकर शरीफ घराने की लड़कियों को रिश्ते भेज रहा। क्यों रे। अब नहीं सर, सुल्तान भाई को गलतफहमी हुई है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, अज्जू ऐसा लड़का नहीं है। जो मकसद इनका था वही मकसद अज्जू का भी है। सुल्तान भाई के यहाँ जानबूझकर रिश्ता भिजवाया गया है, जिससे शेख को सबक सिखाया जा सके, ताकि फिर कोई शेख हमारी इज्जत के साथ खेलने की ना सोचे। क्या ये सच है। क्या मियाँ, पहले जो बोला नहीं, दोनों मिलके खुनल देते ना शेख को। कहाँ गया रे वो शेख। हुजूरे वाला, सारी गलत फहमियाँ तो मफकूद हो चुकी हैं, तो क्या आपने हमें खुलूस दिल से माफ कर दिया है। तुम लोगों को मालूम है ना, सुल्तान कोई काम फोकट में नहीं करता। जय मंजे फर्स्ट इच मालूम जी, ऐसा होता सो उससे बाजार से ताजा ताजा मिठाई का डब्बा मोड़ने को आई हूँ। क्या ठाकुर, तेरे तो हाथ ही नहीं है, फिर मिठाई कैसे ले आया तू। इसके तो हाथ हैं, इसका मतलब मुंह धोती। पूछो पूछो। इधर बैगन किधर मिलती। बैगन वो क्या होती, तुम बताते क्यों नहीं। बैगन किधर मिलती, हम बैगन में मिलना चाहती।
बैगन। हम मिलाती हम मिलाती, अच्छा बैगन में मिलाती। शेख भाई ये चलती। अरे बड़ा बैगन, बहुत बड़ा बैगन। नहीं नहीं ये हमको नहीं चलती, हम चलती। तुम चलती। ओ, 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 ओ,